भगवते ध्येयं सदा परिभवगन नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चक्त्वा सुदुस्त्वजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीम् धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदि गादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निवद्धनी विविलषद गोपी सहस्त्राव्रतम् हस्तन्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ या मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भजे ब्रजैकमण्डलम् समस्त पाप खण्डनम् सुभक्त चेतरञ्जनम्
सदैवनन्दनम् सुपेच्छगोच्छमस्तकम् सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम् भजे ब्रजे कमन्दनम् समस्त पाप मनोज गर्भमोचनम् विशाल लोललोचनम् विधूत गोप सोचनम् नमा पद्मलोचनम् करारविन्द स्मितावलोक सुंदरम् गजेन्द्रमानदारणम् नमामि कृष्ण नागरम् भजे ब्रजे कमन्दनम् समस्त पापखण्ड कदम्ब पुष्पकुण्डलम् सुचारुगण्ड मण्डलम् व्रजाङ्गनैकवल्लभम् नमामि कृष्ण दुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकम् नमामि गोप नायकम् भजे ब्रजे कमन् सदैव पाद पंकजम् मदीयमान सेनिजम् दधान मुक्तमालकम् नमामि नन्द बालकम् समस्त दोष समस्त लोक पोषणम् समस्त गोपमानसम् नमामि नन्द लालसम् भजे ब्रजे ककम् भुवो भरावतारकम् भवाब्धिकर्णधारकम् यशोमती किशोरकम् नमामि चित्तचोरकम् दृगन्तकान्तिभङ्गिनम् सदा सदा लसङ्गिनम् दिने दिने नवम् नवम् नमामि नन्द संभवम् भजे ब्रजे कमन् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषण्णिकल्लनम् नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपना
नवीन केलिलं पटं नमामि मेघ सुंदरं त्रणी प्रभाल सत्पटं भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पाप खण्डनं गोपनन्दनं हृदं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमाध्यगम् निकाम कामदायकं दृगन्त चारुषायकं रसाल वेणुगायकं नमामि कुंज नायकं भजे ब्रजे समस्त पाप खंडनम् विदग्धि गोपिका मनो मनोज्ञ तल्प शायिनम् नमामि कुंज कानने प्रवद्ध वर्णि पायम् किशोर कांतिरंजितं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्री विहारिणं भजे ब्रजे कमंडलं समस्त यदा तथा 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 तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विलीयता प्रमाणिकाष्टकद्वयम् जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवेमवे सुभक्तिमान् सुभक्तचेतरञ्जनं सदैव नन्दनं सुपीक्षगोच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् नमामि कृष्णनागरम् भजे ब्रजे कमण्डलम् समस्त पाप खण्डनम् समस्त पाप राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 हे यमुना के तीर भजो राधे गोविंदा
प्यारी यमुना के तीर भजो राधे गोविंदा। वृंदावन मध्य भजो राधे गोविंदा। श्री वृंदावन मध्य भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। यमुना के तीर भजो राधे गोविंदा। प्यारी यमुना के तीर भजो राधे गोविंदा। यमुना के तीर भजो राधे गोविंदा। यमुना के राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। प्यारे राधे गोविंद भजो राधा रमण चंदा। राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधा रमण चंदा। राधे गोविंद भजो राधा रमण चंदा। राधे गोविंद भजो राधा रमण चंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। श्री राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे
राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद, हे प्यारे राधे गोविंद, हे भजो राधे गोविंद, हे भजो राधे गोविंद, हे भजो राधे गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरिदास वर्य श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। हरिशरणम। परम मंगल में प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री राधा रमण लाल की वांग्मयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण रस रानी पट रानी श्री यमुना महारानी के सुंदर पुलिन सुंदर तट पर विराजमान होकर के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत के अंतर्गत विराजमान नवदा भक्ति के 9 आचार्य श्री यमुना महारानी की कृपा से जिन आचार्यों के विषय में कुछ चर्चा हम आप सब लोग यहां बैठ करके कर रहे हैं, यह हमारा परम सौभाग्य है। श्री यमुना जी में और हमारे श्री ठाकुर जी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भगवान की अष्टपटरानियों में श्री यमुना महारानी जो हैं वो कृष्ण स्वरूपा ही हैं। और हमारे लाल जी जिस रूप में विद्यमान होकर के समस्त ब्रज गोपिकाओं को श्री राधा रानी को
एवं पूरे विश्व को जिस रूप का दर्शन करा के फिर उसी रूप का वियोगात्मक भाव प्रदान करते हैं, तो वियोग ठाकुर जी देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को यह खुद अनुभव नहीं होता कि वियोग का, वियोग की पीड़ा कैसी होती है। तो ठाकुर जी के रूप का वियोग सबको होता है, ठाकुर जी को नहीं होता। अपने रूप को वियोग उनको खुद नहीं होता। श्री राधा रानी को वियोग है सके, कई जगह रासलीला के प्रसंगन में भी वर्णन आवे, श्री गर्ग संहिता में भी वर्णन आवे कि ठाकुर जी को वियोग कौन देता है, श्री राधिका रानी देती है। तब ठाकुर जी गाते भी हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजो श्री वृषभानु दुलारी। लेकिन ऐसे श्री ठाकुर जी को भी उनके स्वरूप का वियोग तो पता चले कैसा होता है। तो ठाकुर जी के स्वरूप का वियोग ठाकुर जी को हो, उसके लिए श्याम सुंदर स्वरूप में श्री यमुना महारानी विराजमान। निभृत निकुंज लीला में जब किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों लीला करें तो आपस में एक दूसरे को वियोग दें, में मान लीला करें, कभी लाल जी मान करके बैठ जाएं, कभी किशोरी जी मान करके बैठ जाएं, जब लाल जी मान करें तो किशोरी जी मनामें और किशोरी जी मान करें तो लाल जी मनामें, लेकिन मान की जो सबसे बढ़िया पद्धति है वो किशोरी जी निभावें। लाल जी तो हमारे मनावे में ही लगे रहे, ठाकुर जी पे गुस्सा ना भय हो जाए। और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो मालाधारी, सब रूठ जाए लेकिन लाल जी कभी रूठे नहीं बस हमसे, ये प्रार्थना करते चली हूं। लेकिन आज किशोरी जी के मन में आई कि भैया हम हर बार रूठ जामे, तुम कभी ना रूठो, आज तुमको रूठना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोलो ना, हमें बढ़िया ना लगे, हम रूठेंगे फिर तुम हमारे चरणन में बैठोगी, और किशोरी जी आप हमारे चरणन में बैठो, हमको बहुत कष्ट होगा, हम ना मानेंगे, आप ही मान करो, मैं मनाऊंगा फिर आप। लाडली जी बोली नहीं, आज तो मेरी आपको ये जिद माननी पड़ेगी, आज आप रूठो हम मनाएंगे। ब्रह्म वेला में किशोरी जी और लाल जी दोनों विचरण करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा नित्य लगाते हैं। और आज स्वतः ही स्मरण है रहे हो तो या को मतलब है सके, जमुनादास जी की कुटिया के पीछे तो ही निकल के गए हों अभी अभी परिक्रमा लगाते हुए। हमारे पूज्य नाना जी कहते कि कथा में सहज भाव से जो स्मृति आ जाए, जिसका नाम उच्चारण हो जाए, जिस कथा का गान हो जाए, तो यही समझना चाहिए कि वो वहां उपस्थित होकर के अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं। किशोरी जी आज कह रही हैं, आप मान करो। ठाकुर जी बोले देख लो सोच लो, अगर हम रूठ गए ना तो फिर मनाना बहुत मुश्किल है। बोले हम सब मना लेंगे, हमारा तो बाएं हाथ को खेल है, तुम्हें मना लो। ठाकुर जी बोले सोच लो फिर, अंतिम बार कह रहा हूं मैं नहीं मान करूंगा, सोच लो आप। किशोरी जी बोली नहीं, अब तो आप ही मान करो, हम मनाएंगे। ओ महाराज, जिनके मुखमंडल पर प्रसन्न हासा रुण लो चलो लसत, ये दोनों गुल्म जिनके सदैव गोल गोल ही रहे, क्यों? क्योंकि सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहे, आज वो रूठ गए। आज वृंदावन को चंद्रमा अमावस्या को है गो, श्री ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी के मन का भाव सुनिएगा।
लोग गोपांगनाओं पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान के प्रति उनका प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया। अरे 5 वर्ष का बालक जो स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानता, वो ध्रुव भगवान के प्रकट होते ही क्या मन में विचार आ रहा है उसके? उसके मन में विचार आ रहा है, ये सामने खड़े हुए श्री हरि गरुण पर जो बैठे हैं, इनके 2 गोल गोल गुलाब जामुन जैसे गालों को मैं ऊपर चढ़ के खा जाऊं, इतने प्यारे लग रहे हैं। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी सोच रहे हैं ये बात। परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, ठाकुर जी को रूप ऐसा है, आबाल वृद्ध वलिता, बालक हो वृद्ध हो वनिता हो सब उस पर मोहित हो जाते हैं। नन्हे से ध्रुव जी ये सोच रहे, तो सोचो सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं लेकिन आज रूठ गए। राधा रानी मनावे बैठी हैं, कभी मयूर नृत्य करके दिखावे, कभी लाला के काज नए नए व्यंजन बना के लावे, कभी नृत्य करके लाला को मनावे को प्रयास करें, अनेक प्रयास कर लिए लेकिन ठाकुर जी आज माने ही नहीं। ठाकुर जी आज माने ही नहीं, रीझे ही नहीं। एक दिन बीत गयो, दूसरे दिन किशोरी जी बड़ी दुखी है गई, बोले कि ये तो ऐसे मान करके बैठे हैं, बिल्कुल मान ही नहीं रहे, अष्ट सखियों को लेकर के आई और ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करके दिखा रही हैं। ठाकुर जी की लीला को दर्शन ठाकुर जी को ही दिखा रही हैं और वहां में ठाकुर जी कैसे कैसे लीला उनको प्रतिपादन करें। किशोरी जी क्या करती हैं, अपनी सखीन ते कहेंगी जैसो ये करें ना वा में वाते ने उल्टो करियो, क्यों? क्योंकि फिर बाकू सही करवे के काजे कछु तो बोलेंगे, नाना मैं ऐसे ना करूं, मैं तो ऐसा करूं। सखियां सब उल्टी सीधी लीला करें लेकिन ठाकुर जी वाते फिर भी नहीं रीछे, बैठी हुए और बल्कि व्यंगात्मक मुस्कान और दे दें, बोले तुम क्या करोगी मेरी तरह। 2 दिन बीत गए, अब तो महाराज ठाकुर जी ने कैसो मान कियो, पूरे ब्रजमंडल की मानो जैसे गरिमा महिमा स्वरूप सब लुप्त होने लगो। 3 दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं माने, ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, गोपियां राधा रानी सब वियोगात्मक भाव में प्रविष्ट होने लगी। श्री यमुना किनारे बैठकर के समस्त गोपांगनाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, कैसे मनावें ने, अब कहा करें। जब नहीं माने ठाकुर जी तो श्री राधा रानी से वो वियोग सहा नहीं गया और नेत्रों से वियोग ही अश्रुबिंदु बनकर के निकले और जैसे ही नेत्रों से अश्रुबिंदु निकल करके श्री यमुना जी में पहुंचे हैं, श्री किशोरी जी के अश्रुबिंदुओं के कष्ट की गणना कोई नहीं कर सकता। यम की बहन है श्री यमुना जी, जब अश्रुबिंदु श्री किशोरी जी के नेत्रों से यमुना जी में प्रविष्ट हुआ तो उस अश्रुबिंदु के कष्ट को देख करके यमुना जी यमराज के पास गई और उस अश्रुबिंदु को दिखा करके कहा, इस अश्रुबिंदु में जितना कष्ट है क्या इतना कष्ट तुम किसी को नरक में दे सकते हो? इतना कष्ट किसी को नरक में दे सकते हो? यमराज ने जब वो अश्रुबिंदु देखा है तो अश्रुबिंदु देख करके यमराज भी कह रहे हैं कि इतना कष्ट तो मैं 100 वर्ष तक नरक की यातना में भी किसी को नहीं दे सकता, जितने वियोग में कष्ट में श्री किशोरी जी हैं। यमुना जी एक क्रोध आ गयो, शायद कौन से पहले जाने दूसरे दिन हमने बताया ना कि यमुना जी की गुरु कौन है, श्री यमुना जी की गुरु तो श्री राधिका रानी है। कृष्ण पटरानियों ने जब पूछा कि कृष्ण वियोग में हम विरह में चली गई तुम क्यों नहीं जाती हो, बोली मैं विरह में यहां मारे ना जाऊं क्योंकि मैं श्री राधिका रानी के पास रहूं, मुको जब कन्हैया तो मिलना हो उनते कह दूं, मु मिलवा दो सोई मु मिलवा दे उनते। जब यमुना जी को पता चली कि श्री किशोरी जी को विरह दे रहे हैं ठाकुर जी,
तुरंत प्रकट हो गई वहीं पर, किशोरी जी आज्ञा करो, आप बस एक बार आज्ञा करो, आपको कष्ट कौन दे रहा है। किशोरी जी बोली, हमें कष्ट कोई में सामर्थ्य है जो हमें कष्ट दे सके, केवल एक के सिवाय। कष्ट ना दियो है आज तो विरह दियो है। यमुना जी बोली, यार कन्हैया अपने स्वरूप अपने संयोग वियोग आत्मक भाव को जब तक याकू स्वयं भान नहीं पड़ेगा ना, तब तक ही ऐसी वियोग देते रहे वो सबन ने। किशोरी जी को प्रणाम क्यों, बोले मुकू बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आऊं। और श्री यमुना महारानी ने अपनो संपूर्ण श्रृंगार बदल दियो, ठाकुर जी जैसे पजम्मा पहने, वाके ऊपर सुंदर घेराव धारण कियो, जैसी जैसी माला लाल जी धारण करें वैसी वैसी माला धारण करी, सिर पे टिपारो पहनो, पाग बांधी, लटकन लटकाई है, कुंडल पहने हैं, ठाकुर जी जैसो हीरा लगाया, नथनी पहनी, बिल्कुल ठाकुर जी जैसो, जैसे श्री राधा रमन लाल हैं, जैसे हमारे श्रीनाथ जी हैं, वैसो ही श्रृंगार श्री यमुना जी ने कर लियो। और श्री यमुना जी को और ठाकुर जी को रंग बिल्कुल एक जैसो, टिपारो धारण करके संपूर्ण श्रृंगार धारण करके बंशी लेके हाथ में, जैसे ही त्रिभंग लली स्वरूप में श्री यमुना महारानी प्रकट भई, समस्त गोपियां भी एक बार को चकित हो गए, अरे श्याम जी आ गए, श्याम सुंदर आ गए, अरे ठाकुर जी आ गए, प्रणाम करने लगी। अब तो आप रूठे ना हो ना। यमुना जी बोली, किशोरी जी ये ठाकुर जी ना है, ये मैं हूं। श्री राधा रानी बोली, बोले कि कोई तुम में और ठाकुर जी में तो बिल्कुल भेद ना है, बिल्कुल एक जैसे देखो। बोले अब तो तुम बस देखती जाओ, तुम बैठी रहो, तुम्हें वियोग दियो ना मैंने, अभी बताऊं वक्त, सब छुप जाओ कंदरान में। कहां बैठे हैं श्याम सुंदर? बोले वहां बैठे हैं सेवा कुंज में। अब तुम्हारा जैसी ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हमारे ठाकुर जी सीधे ना चलें, एक पाम यहां धरेंगे, दूसरा पाम वहां धरेंगे। श्री युगल गीत का जब कथन किया था तो वहां पर बताया था, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलें, सीधे क्यों ना चल सके। तो कहें भूमि जो है ये ठाकुर जी की पटरानी है, और जब गौचारण और आदि हम सब लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तो जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे आ जाएं ठाकुर जी उनको देखें, दृष्टिपूतम निषेध पादम, जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे आ जाएं ठाकुर जी को लगे अरे तो को कष्ट भयो ना, चल तो को ने औषधि दे दूं। औषधि क्या है? भूमि के लिए बोले मेरे चरण। तो जहां जहां ठाकुर जी को पृथ्वी में गड्ढे दिखाई दें वहां वहां ठाकुर जी चरण रखें। अब एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो ठाकुर जी यो ऐसे टेढ़े मेढ़े चले। ललित गति विलास वल गुहास, भूमि को प्रसन्न करने के लिए, भूदेवी को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी त्रिभंग लली रूप धारण करते हैं। अब यमुना जी बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल चल रही हैं। हमारे ठाकुर जी किशोरी जी सदैव या तो या भाव में रहे या फिर या भाव में रहे, और ठाकुर जी हमारे यूं ही चले, लाट साहब बन के चले पूरे। और यहां बंसी लग रही है और टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के श्री यमुना महारानी चल रही हैं, और नूपुरन की वही ध्वनि जो श्री लाल जी के चरणन की है। ठाकुर जी बैठे मान करके, मानूंगो ही ना, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मुंह मत रूठो, मुंह मत कहो कि तुम रूठ जाओ। जैसे ही नूपुरन की ध्वनि सुनाई दी, ठाकुर जी बोले मेरे नूपुर तो पामन में ही है, ये मेरे जैसे नूपुरन की आवाज कहां से आ रही है। कान खड़े भए, तिरछी नजर से पीछे देख रहे हैं, कौन आ रहा है। इतने में ही लता गुलमों के बीच में से श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री यमुना महारानी को आविर्भाव है।
जैसे ही तिरछे नेत्रों से ठाकुर जी ने देखा तो जा शिला पर बैठे, जा स्थान पर बैठे, वहां से गिर गए नीचे और बस देखते ही रहे मैं, देखते ही रहे मैं, देखूं नंद कुमार नयन भरे, देखूं नंद कुमार बिन देखी हूं विवस भई हूं, भूल गई घर बार नयन भरे, देखूं नंद कुमार। आज नंद कुमार अपनी स्वरूप पे मोहित है गए। जा प्रकार सो श्री कृष्ण के रूप के चकोर, श्री कृष्ण के रूप के पिपासु उनके पीछे पीछे आगे पीछे विचरण करें, आज वही चकोर श्री कृष्ण बन गए हैं अपने ही स्वरूप के लिए। श्री यमुना महारानी घास ना डाल रही हैं, ठाकुर जी कभी यहां आते हैं हमें, अरे नेक नेक दिखा तो दो, नेक मुखमंडल अपनो कभी यहां, अरे नेक तो दिखाए दो, नेक नेत्र तो देख कितनी सुंदर लग रही है। ठाकुर जी सामने आ खड़े है गए, बोले तुम्हें बतानी पड़ेगी तुम कौन हो। यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। बोले श्याम सुंदर तो हमें, बोले तुम नकरी हो असली तो हमें। बोले नकरी असली को भाव कैसे पता चले, बोले जाके संग किशोरी जी वो श्याम सुंदर असली है, तुम्हारे संग है किशोरी। अब वो तो रूठ के बैठे उनते तो, बोले हाँ मेरे संग है। बोले कहाँ है प्रकट करो। अब तो ठाकुर जी खोजे किशोरी जी मिले नहीं। बोले ओरे नकरे श्याम सुंदर देख तो असली किशोरी दिखा मैं। प्रकट कर दी श्री यमुना जी के बगल में आके किशोरी जी खड़ी है गई, और जैसे लाल जी के कंधे पर सिर रख के खड़े हूं वैसे ही खड़ी हुई। अब तो ठाकुर जी जलन हो गए, कौन है कौन है, चरण पकड़ लिए, बोले आप कौन हो अपना रूप दिखा। तब श्री यमुना महारानी अपने रूप में प्रकट भई। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे जब लाल जी ने जोड़ते गले लगा ले यमुना जी तब पर तो चली, बोले अरे ये तो यमुना है। तब से ठाकुर जी ने यमुना जी को एक आज्ञा नहीं कहेंगे एक प्रार्थना करी, बोले कहा, बोले अब निरंतर जब तक हमारी लीला चल रही है आप इसी रूप में विद्यमान रहो। मोह जब जब मेरे रूप की दर्शन की स्वतः इच्छा होगी मैं तुम्हारा दर्शन कर लूंगा। मतलब कह लियो जाए जा प्रकार हम अपना प्रतिबिंब देखें और अपने आप पे संवार लें कि हम कैसे लग रहे हैं, वैसे ही श्री लाल जी को प्रतिबिंब स्वरूप हैं श्री यमुना महाराज। हमारे आज तक के श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ये स्वयं श्याम सुंदर ही हैं। और जब कभी भी ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं को वियोग देते हैं तब तब ये गोपांगनाएं श्री यमुना महारानी के पुलिन पर आकर के ही श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करें। आज यहीं बैठ लो आप ना, यहां बैठो। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने
सुन के प्रेम की परिभाषा सुन के मन में जगी थी जो आशा मन में आशा हुई रे निराशा झूठी दे गया दिलासा हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला ओ सुन राधिका दुलारी सुन राधिका दुलारी तेरे श्याम का पुजारी हूँ मैं श्याम का एक पीड़ा है हमारी एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा देता है कन्हाई जिसे देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा हो ठाकुर जी या तो किसी को अपना प्रेम देंगे नहीं लेकिन यदि किसी को अपना प्रेम प्रदान करेंगे तो फिर परीक्षा भी लेते हैं या तो प्रेम नगर आओ मत वृंदावन आओ मत और यहां आए हो और ठाकुर जी ने यदि प्रेम दिया है तो वियोग के लिए तैयार रहना परीक्षाओं के लिए तैयार रहना और परीक्षा को बड़ी ना आए कभी दूरियां बढ़ाए कभी कभी निकट बुलाए कभी कभी हंसाए रुलाए छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें ओ सुन राधिका दुलारी सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का पुजारी तेरे हूँ मैं श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री यमुना जी स्वयं श्री श्याम सुंदर को ही स्वरूप हैं
लॉकडाउन में ब्रजमंडल के सबरे मंदिर बंद हैं, श्री राधा रमण लाल बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल सब अपनी अंतरंग लीला में बैठे हैं। लोगन के फोन आ में महाराज जी दर्शन है रहे, मन खूब है रहे, कौन कह रहे हैं सबरे मंदिर तो बंद है। अरे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी बह रही हैं, इनको मंदिर कभी बंद ना है सके। ठाकुर जी आजकल अपनी अंतरंग लीला में है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आज छठवां दिवस है इस अकिंचन भागवत का। श्रवणम भक्ति के आचार्य के विषय में हमने सुना, कीर्तन भक्ति के आचार्य के विषय में सुना, स्मरण भक्ति के आचार्य, और कल हमने श्रवण किया पाद सेवन चरण सेवा की आचार्य श्री लक्ष्मी। लेकिन कल के कथा में एक प्रसंग और समझ में आयो कि चरण सेवा के सबसे बड़े आचार्य तो हमारे श्री लाल जी ही हैं। कौन की सेवा करें, पलोटत राधिका के चरण। सबसे वरन चरण भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन के आचार्य कौन है, श्री ठाकुर जी तो हैं। और आज के प्रसंग में हमारा विषय है अर्चनम, अर्चना, ठाकुर जी की पूजा पद्धति, उनके आचार्य, और उनके आचार्य हैं भगवान के ही अवतार महाराज पृथु। थोड़ी देर अब बिल्कुल पहले पृथु महाराज के थोड़े चरित्र को हम लोग श्रवण कर लेंगे, और फिर पृथु महाराज की जो सेवा पद्धति, पूजा पद्धति, अर्चना पद्धति है, उसके विषय में उन्होंने जो भाव कहे हैं उसको श्रवण करेंगे। और कलयुग में कौन है, कलयुग में अर्चन भक्ति के आचार्य कौन है, कलयुग में अर्चन भक्ति के सबसे प्रथम आचार्य तो बहुत हुए। प्रत्येक संप्रदाय में जितने आचार्य हुए सब अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन अर्चन भक्ति को सबसे पहले कलिकाल में पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे, सबसे प्राचीनतम आचार्य भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, सबसे प्राचीन आचार्य, जो कौन है, शेषावतार, भगवान के शेष स्वरूप। वर्णन आता है कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि कलयुग में लोग मेरी अर्चना भूल गए, कैसे की जानी चाहिए। हे शेष नारायण, मेरा अवतरण तो बहुत समय बाद होगा, लेकिन तब तक लोग पूजा पद्धति को भूल जाएंगे तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा। आप जाकर के इस अर्चना भक्ति को सुव्यवस्थित कीजिए। सोच लीजिए, दो चार दिन को समय दे दे रहे हैं आप। शेषनाग भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। तीन दिन बाद ठाकुर जी फिर बोले हमने तीन दिन पहले आपसे कुछ कही थी, भैया कलयुग चल रहा है, आप चले जाओ, अर्चन भक्ति की पुनः स्थापना कर दो। आपने कुछ विचार किया? शेषनाग जी फिर भी कुछ नहीं बोले। आज ठाकुर जी पौड़े नहीं, आज उठ के बैठ गए, बोले हम तुमसे तीन दिन से कह रहे हैं भैया, हमें थोड़ा कुछ, हमारे मन में कुछ भाव है आपसे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो। शेषनाग भगवान बोले प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने देखा है कि आप उद्धार सबका नहीं करते, आप बड़े बहुत विचार करके, विमर्श करके, नियमों का पालन करने वाले आदि आदि लोगों का आप उद्धार करते हैं, और कलयुग में लोग नियमों का पालन से विहीन है, आपकी भजन भक्ति सबसे विहीन है,
आप सबको उद्धार करेंगे नहीं और मैं वहां पर परिश्रम करता रह जाऊंगा। तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं ये बता दीजिए। बोले पहले शर्त दो, जो बात हम कहेंगे आप उसको मानोगे तो मैं जाऊंगा। भगवान बोले हमारा वचन है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तब शेषनाग भगवान ने कहा, येन रक्ष जगन्नाथ, मैं पृथ्वी पर एक गुरु प्रणाली शुरू करूंगा, आपकी अर्चन भक्ति की प्रारंभ करूंगा, लेकिन मेरा मुझे वचन दीजिए, मेरी प्रणाली को समझ करके जो उस प्रणाली में प्रवेश करे, अब चाहे वो उसमें अपराध ही क्यों ना करे, लेकिन यदि आपकी अर्चन भक्ति में वो प्रवेश कर गया तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसको उद्धार करना ही पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। मतलब आपके सामने एक बार आकर के जिसने हाथ जोड़ लिए तो प्रभु याद रहे कि फिर उसका कल्याण करना आपका काम है। ये कलिकाल है, यहां पर मानव इतना ही कर ले वो ही बहुत समझ लीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जिसको अपने शिष्यत्व में लाकर के मेरे सामने प्रस्तुत कर दोगे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको वैकुंठ में स्थान दूंगा। तब वही शेष भगवान करीब 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में पृथ्वी पर पधारे। शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, हमारे आद्य गुरु हैं, हम उसी परंपरा में दीक्षित हैं। ऐसे स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ये कलयुग के अर्चावतार के स्थापक हैं, आचार्य हैं। सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रारंभ में पृथ्वी पर पधारने वाले स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी, उसके बाद में फिर धीरे धीरे अन्य कई संप्रदाय और सबके आचार्य प्रकट हुए, सबने अपनी मति अनुसार और अपने भावानुसार दिव्याति दिव्य अर्चन भक्ति की आचार्य प्रणाली को प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा भाव कलिकाल में सबसे प्रथम कौन आए, श्री रामानुजाचार्य जी पर। उनके विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन आज के जो हमारे आचार्य श्री पृथु जी महाराज हैं, पहले उनका प्रारंभ यहां पर कर लें। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। राजा अंग का ब्याह सुनीता के साथ में हुआ। सुनीता कौन है? स्वयं मृत्यु की पुत्री है सुनीता। मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में अंग का ब्याह हुआ और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बैन। कल एक नई बात पता चली, ये बैन शब्द अंग्रेजी का नहीं है, संस्कृत का शब्द है। अंग राजा के पुत्र का नाम बैन क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था, पूजा पद्धति आदि, तो उनका नाम ही रख दिया था बैन। बोले इसने सब कुछ बैन कर दिया। तब श्रवण में आया, संस्कृत का प्रतिबंध को बैन कहा जाता है संस्कृत में भी। अंग राजा के पुत्र हुए बैन। कई बार कई बालकों पर नाना जी का प्रभाव बहुत होता है, जैसे कि मुझ दास पे भी बहुत है। उन्हीं की कृपा से हम भागवत के कुछ टूटे फूटी वाणी कह पाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अच्छे रूप से उनका प्रभाव रहा। लेकिन बैन राजा के ऊपर उनके नाना जी यानी कि मृत्युदेव, उनका प्रभाव रहा। कल मैंने बताया था, मृत्यु किसी पर दया नहीं करती है। आप कैसी अवस्था में हो, कैसी व्यवस्था में हो, कौन कितना रो रहा है, कौन कितना प्रेम कर रहा है, मृत्यु दया नहीं करेगी। भगवान ने मृत्यु का जब निर्माण किया तब दया उससे छीन ली, वे दया दे देंगे तुम किसी को मारोगे ही नहीं। तो मृत्यु महाराज का प्रभाव बैन पर हुआ, उनके भीतर भी दया खत्म हो गई।
न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्म भेरिघोषेण सर्वश। ना कोई यज्ञ करेगा ना कोई यज्ञ करेगा, ना दान करेगा, ना हवन करेगा, सब बंद करा दिया पूरे विश्व में। बैन ने राजकुमार है और बैन के द्वारा किए गए इन कृत्यों को देख करके उनके पिता अंग ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं माने तो अंग राज्यपाट छोड़ करके चले गए। मुनियों ने विचार किया, हमारी पृथ्वी का अब कोई राजा नहीं है, क्या करें। तब उन सब ने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। अभी तक तो राजकुमार था, तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब राजा बन गया। अब तो महाराज पूरी पृथ्वी पर ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो जब निकलता था तो कोई प्रसन्न नहीं होता था, खड़े खड़े लोग रोते थे, क्योंकि कुछ करोगे तो भी मार देगा, कुछ नहीं करोगे तो भी मार देगा, बस रोते रहो, अगर इसके अंदर जया भी दया आ गई तो छोड़ देगा। ऐसा बैन, बैन राजा के इस दुर्व्यवहार को देख करके संतों को बड़ा क्रोध आया और मुनियों ने जाकर के बैन को समझाने का प्रयास किया। बैन से जाकर के कहा कि भैया बैन, हम तुम्हारे हित के लिए कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज थोड़ी सी कथानक ज्यादा है, इसलिए बहुत सावधानी से सुनिएगा। सभी मुनि जाकर के बैन से कहने लगे, नपवर्य निबोधयिता धत्ते विज्ञापयाम भी आयुश्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। बैन, हम तुमसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत धर्म भी किया करो, आप राजा हो हमारे। मैंने एक दिन बताया ना, प्राचीन काल में राजा जब बनता था तो अभिषेक के बाद में, राज्य अभिषेक के बाद में वो अपना दंड तलवार या जो कुछ भी उसके आयुध होते थे उनको उठा के कहता था, निर्दंडोष्मी निर्दंडोष्मी, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब प्रजा में से कोई संत या मुनि निकल करके आते थे और वे आकर के राजा के सर पर अपना दंड रख के कहते थे, धर्म दंडोस्त्वम, तुम भी यदि अपराध करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा। राजन, तुम्हारे पिता अंग राजा का और तुम जिस परिवार में हो, कुल में ध्रुव तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने भगवान को प्रकट किया, कम से कम उनकी अपनी रीति कुल परंपरा का तो ध्यान रखो, धर्म किया करो थोड़ा बहुत, उससे तुम्हारा ही क्या क्या बढ़ेगा। बोले, आयु बढ़ेगी, श्री बढ़ेगी, बल बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। धर्म आचरित पुंसाम वाग्मनः कवयो कवयो विधुम, धर्म का आचरण करना चाहिए, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, चाहे कर्म से करो, लेकिन धर्म आचरण होना चाहिए। धर्मेण हन्तव्य धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म करने वाले की आदि व्याधि अपने आप नष्ट हो जाती है। धर्म करने वाले व्यक्ति को व्याधि यदि हो रही है तो आप ये विचार कर लेना कि उसकी व्याधि बहुत विशाल रूप में थी, लेकिन धर्म की वजह से बहुत सूक्ष्म रूप में है। दो भाई थे,
एक बहुत धर्म करता था, एक बिल्कुल धर्म नहीं करता था। धर्म का मतलब क्या है? धर्म के अंतर्गत पूजा आती है, अध्ययन आता है, स्वाध्याय आता है, ये सब कुछ धर्म के भीतर आते हैं। भक्ति प्रेम भी धर्म के भीतर आता है। तो एक भाई बहुत धर्म करता था, दूसरा बिल्कुल नहीं करता था। रोज प्रातःकाल उठकर के शंकर जी की सेवा पूजा अर्चना करना एक भाई का धर्म था, और दूसरा भाई क्या करता था? गली मोहल्ले में जाकर के लोगों को मारना पीटना और उनसे कर इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, ये उसका कर्म था। एक दिन समय आया, एक भाई चोरी करके डकैती डाल करके ना जाने कितने लोगों को मार करके धन इकट्ठा करके आ रहा था। जय हो। और दूसरा भाई अपनी रोज की जो नियम थे धर्म आदि करके धर्माचरण करके आ रहा था। तो जो चोरी डकैती करके आ रहा था, वो मार्ग से जा रहा था, उसके सामने उसको एक डलिया मिली, डलिया कपड़े से ढकी हुई थी, उस डलिया में सोने चांदी हीरे जवाहरात आदि सब भरे हुए थे, जो पाप करके आ रहा था उसके सामने, और जो शंकर जी की सेवा अर्चना आदि धर्म आदि धर्माचरण करके आ रहा था, उसके पैर में एक कीला लग गया। बड़ा भाई छोटे भाई को देख के हंसने लगा, बोले देख मैंने आज तक चोरी डकैती आदि ये सब किए, और आज मेरे कर्म का फल देख मुझे क्या मिला, कितना सारा धन मिल गया, और तू आज तक यही मंदिरों में जा जा करके अपनी सेवा पद्धति आदि ये सब करना, इन सबको करने के बाद आज तुझे क्या प्राप्त हुआ? एक कीला और लग गया पैर में। अरे ये सब छोड़, धर्म करने से कुछ नहीं होता, मेरे साथ चल और इसी प्रकार के कर्म कर। जब छोटा भाई रुदन करने लगा, तब आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी मार्ग से बताया गया कि भाई तुम रो मत, तुम्हारे जन्मानुसार तुम्हारे नक्षत्रानुसार आज तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित थी, लेकिन तुमने इतना धर्म किया है, इतना शंकर जी का यजन किया है, इतना सब कुछ किया है कि तुम्हारी मृत्यु एक कील में परिणत हो गई। तुम्हारी मृत्यु कितनी सूक्ष्म, एक पीड़ा में परिणत हो गई। और ये जो तुम्हारा भाई है, आज इसको पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनना था, संपूर्ण विश्व का राज इसको मिलने वाला था, लेकिन इसने इतने अधर्म किए कि सारे अधर्मों के कारण इसके जो योग थे सब नष्ट होते चले गए, और उसके बाद भी आज उसको मिला तो है, लेकिन केवल एक एक डेढ़ साल खा पाएगा, उतना ही धन मिल पाया है। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। आदि व्याधि सब कुछ नष्ट होते हैं धर्म से, और सबसे बड़ी बात है वृंदावन में रहने वाले आदि व्याधि आदि इन सब के लिए भी धर्म नहीं करते, वो तो हमारो जाविधि श्याम रीझे, जाविधि ठाकुर जी रीझे, वो करेंगे। धर्म करो, किसको समझा रहे हैं सब लोग? बैन को। मुनियों ने बैन को समझाया धर्म करो, तो बैन उत्तर में क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है सुनिए। बालिशाबत यूयम बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्ति दंपतिं हित्वा जारम पतिमुपासते।
पहला ही शब्द कहता बालिशा। अरे मूर्खों, संत महात्माओं से कह रहा है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे सामने सजग देव खड़ा है और तुम इसको छोड़ करके, जिस देव को कभी देखा नहीं, जिसको कभी पहचाना नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उसका भजन करने के लिए कहते हो? मैं राजा हूं, और राजा ही प्रजा का देव होता है, राजा ही प्रजा का भगवान होता है। भूल जाओ भगवान को, कौन भगवान, कोई ईश्वर नहीं होता। ये सारे 33 करोड़ देवता राजा में विद्यमान होते हैं। राजा का यजन करो, राजा का भजन करो, और राजा को छोड़कर के अन्यत्र किसी देव की पूजा करना, ये तो वही हो गया ब्याह होने के बाद में तुमने अपनी पति को छोड़कर के अन्य पुरुष का संग किया। तुम सब मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे छोड़कर के किसी का यजन नहीं करोगे। देहे भवन्ति निप्रते सर्व देव मयो नृप। सारे देव नृप में आते हैं, राजा में होते हैं। इंद्र भी मुझ में है, ब्रह्म भी मुझ में है, वरुण भी मुझ में है, अग्नि भी मुझ में है, नारायण भी मुझ में है। मेरा यजन करो, मेरा भजन करो, और अब तुम्हें करना ही है ना, तो आज के बाद बैनाय स्वाहा इसी मंत्र का उच्चारण से यज्ञ होना चाहिए। ओम बैनाय नमः इसी मंत्र से तपस्या होनी चाहिए। कोई विष्णु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल बैन है। और नहीं करोगे तो निकाला अपना तलवार और आदि सब लेके बोले कि मैं सबको मार दूंगा, ऐसा राजा। और ध्रुव जी के वंश में हुआ ये। बैन राजा के इस बात को सुनकर के वहां पर कम से कम नहीं तो 2,500 संत खड़े थे, मुनि खड़े थे। उन सब लोगों ने मन में विचार किया, बोले आज तो इसने अति कर दी। शास्त्र आज्ञा है, गुरु पिता और देव कुल, इनकी निंदा यदि कोई कर रहा है आपके सामने, यदि आप में क्षमता है तो उसको प्रत्युत्तर दीजिए, यदि उससे भी ज्यादा क्षमता है तो उसको दंड भी दीजिए, और बिल्कुल क्षमता नहीं है तो वहां से उठ के चले जाइए। हमारे ठाकुर जी की निंदा कर रहा है, हमारे भगवान की निंदा कर रहा है हमारे सामने। हन्यताम हन्यतामेश, जितने संत खड़े थे सब ने अपने खड़ग उठा लिए, सब ने अपने चिमटे उठा लिए, सब कमंडल ले लेकर के मार दो इसको, नष्ट करो राजा को। और सारे ऋषि दौड़े और दौड़ करके चढ़ गए राज सिंहासन पर, और सबने, अब यहां पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि संतों ने नहीं मारा उसको, संतों ने तो केवल हुंकार की है। निजग्न हुंतैर वेन, हुंकार की है। मरा कैसा? बोले हतमच्युत निंदया, अच्युत नारायण भगवान की निंदा करने से मर गया वो। हतम अच्युत निंदया, भगवान की निंदा करने के कारण मारा गया। बैन का वध हो गया। अब बैन के मरने के बाद में सब दुखी हो गए। क्यों? अब राज सिंहासन पर कोई राजा नहीं है, और बिना राजा के प्रजा का पालन कैसे होगा? और उसका परिणाम यह हुआ, जब आसपास के लोगों को पता चला कि अब ये राजविहीन हो गए हैं सब लोग, तो चोर डाकू डकैतों ने आकर के सबको लूटना शुरू कर दिया। कोई राजा है ही नहीं, रक्षक है ही नहीं वहां पर, बिना राजा की राजगद्दी बैठी है। मुनियों ने आपस में सबने विचार किया, बोले राजा के बिना तो इस प्रकार कैसे चलेगा देश। तो बैन के शरीर अभी तक रखा था, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था,
ये भागवत की ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको हम, मैंने तो लगभग 4 साल में कही नहीं है आज तक। पहली बार आज यमुना महारानी की कृपा से कहने का भाव बनाए, जरूर श्रवण कीजिए। भागवत के ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग, राजाओं की ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब सप्त गीतों पर प्रवचन किया तो भागवत के कई उपासकों को ही नहीं पता था कि भागवत में एल गीत है। वो भी पूछ रहे थे एल गीत कौन सा, एल गीत कहां है। तो ये कृपा है लाल जी की कि वे इस लॉकडाउन में इतना तो उन्होंने कृपा की, कुछ नए नए विषय कहने का अवसर दिया। तो बैन राजा मारा गया, पूरी नगरी को लुटेरे लूटने लगे, चोर डाकू डकैतों ने आकर के आक्रमण कर दिया। तब संतों ने कहा क्या किया जाए। तो बैन का जो शरीर था वो तेल में रखा हुआ था, उसके शरीर को जाकर के संतों ने मथना शुरू किया और सबसे पहले उसकी जंघा का मंथन किया। तो जंघा का मंथन करते 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 जंघा में से काक कृष्णो, एक काला काला व्यक्ति, बोना, छोटा सा बोना प्रकट हुआ, काला काला। मुनियों ने आपस में कहा ये इसका पाप निकला है। प्रकट होते ही कहने लगा किम करोमि, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा कीजिए। तब सभी संतों ने कहा निषिदे, निषिदे याने बैठ जाओ। लेकिन वो बैठा नहीं और वन में जाकर के गिरी कंदराओं में कानन गोचर वन में जाकर के विचरण करने लगा। तो उसका नाम पड़ गया निषाद और उसी के कुल में हुए निषाद राज गुह, जिन्होंने भजन करके भगवान श्री राम को प्राप्त किया। ये बैन के जंघा से प्रकट हुए निषाद, इन्हीं को आज वन रक्षकों के रूप में वन मानुष जो होते हैं और आदि मानव जो होते हैं वो निषाद के ही परंपरानुगत्य होते हैं। लेकिन ये थे तो पाप स्वरूप, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं। निषाद निकला, उसको वन में भेज दिया। बोले अब इसका पाप निकल गया, जो इसके भीतर पाप था वो निकल गया। बोले लेकिन अब ये ध्रुव जी के परंपरा में है, ध्रुव जी के वंश का बालक है ये, अब इसके पुण्य निकलेंगे, अब घर्षण करो। तब उसके हाथों का घर्षण करना शुरू किया। तो घर्षण करते 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 करते, मंथन करते 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 करते, उसमें से एक देव और एक देवी प्रकट हुए। वे देव हैं नारायण के अवतार महाराज प्रथु, और जो देवी प्रथु महाराज की पत्नी जो है अर्ची, ये श्री लक्ष्मी जी की स्वरूप। बोलो प्रथु महाराज की जय। प्रथु महाराज भगवान के अवतार हैं, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में जिसने भी उनको भगवान कहा, प्रथु महाराज को, प्रथु महाराज उसको खूब खड़ी खोटी सुना देते थे। बोलो मुझे भगवान मत बोला करो, मैं ईश्वर भले ही हूं, मैं उनका अंश हो सकता हूं लेकिन मैं उनका भक्त हूं। अर्चन भक्ति इन्होंने स्थापित की। महाराज बैन के हाथों के घर्षण से भगवान प्रथु का प्रादुर्भाव हुआ और प्रथु महाराज का ब्याह हुआ अर्ची महारानी के साथ। दोनों का राज्य तिलक करके और उनको बिठा दिया गया राज सिंहासन पर। प्रशंसा होने लगी, महाराज विप्र आ गए, गंधर्व आ गए, सिद्ध आ गए, नृत्य करने वाली स्त्रियां आ गईं और सब आकर के प्रथु महाराज का गुणानुवाद गाने लगे। भो सुत हे मगध सौम्यवंदी, लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मेष्यात्, किमाश्रयो मे स्तवे संयोज्यताम्, मामय्य भुवन वितथा गिरोवाह। सुत मागध और बंदीजन, इनके नाम कितनी बार सुने आपने? सुत मागध बंदीजनों के नाम सुने?
राम जी को जन्म भयो कौन आए, बोले सुत मागत बंदी जन आए। कृष्ण जी का अवतार हुआ कौन आए, सुत मागत, कौन है ये सुत मागत बंदी जन, पता है? सुत किसे कहते हैं? पुराणों का वाचन करने वाले कथाकारों को सुत कहा जाता है, सूत कहा जाता है। हम भी सूत हैं। जब कभी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले दर्शन के श्रृंखला में कौन है, बोले भगवान ने सबसे पहले अपनी दर्शन के श्रृंखला में कथा वक्ताओं को रखा। मेरे गुणानुवाद गाने वाले सबसे पहले तुम दर्शन करो मेरा। तो सूत पहले दर्शन करते हैं, फिर आते हैं मागद। मागद किसको कहते हैं? एक प्रकार से कहा जाए हमारी पूरी दादा परदादा परपरदादा आदियों की भी जिनके पास में नाम लिखे होते हैं। बद्रीनाथ गए आप कभी? बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, रामेश्वरम में या बद्रीनाथ में घुसोगे इतने में आ जाएंगे, बोले अरे उपाध्याय जी आपके दादाजी वो, आपके परदादा वो, आपके परपरदादा वो तब आए थे, उन्होंने लिखवाया था, उनको पंडा भी कहते हैं। लेकिन उनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मागद। ये भी ब्राह्मण होते हैं, सब तीनों ही ब्राह्मण है, सूत मागद बंदीजन। तो मागद कौन है? जो आपके पूर्वजों तक को जानते हैं, आपके पूर्वजों का बखान करते हैं, उनको मागद कहा जाता है। और बंदीजन कौन है? बंदीजन कहते हैं जो कवित्त बना बना करके गाते हैं नए नए, उनको बंदी। अब आप एक बात सुनो, ठाकुर जी को जन्म भयो और ठाकुर जी के जन्म होते ही ब्रजवासी नाच रहे हैं और क्या गा रहे हैं, ब्रज में है रही जय जय कार आनंद घर लाला जायो है। ये नए नए पद बना के गा कौन रहा है? मुख्य गायकों के रूप में बंदीजन होते हैं, बाकी के सब लोग तो उनके पीछे कोरस करें, नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। तो जब किसी का प्रादुर्भाव होता है तो उसके निमित्त नई नई कवित्त बना करके गाना, उनको कहते हैं बंदीजन। तो सूत मागद बंदीजनों का आगमन हुआ और सूत मागद बंदीजनों ने आकर के वहां पर श्री पृथु महाराज का गुणानुवाद गाना प्रारंभ किया। पृथु महाराज क्रोधित हो गए, कोपायमान हो गए, क्या कर रहे हो ये? बोले प्रभु आपका गुणानुवाद गा रहे हैं। बोले मतलब अभी मैंने कुछ किया नहीं है, केवल प्रकट हुआ हूं, मेरा कोई ऐसा कीर्ति नहीं, मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं, और तुम लोग प्रकट होते ही मेरा गुणगान गा रहे हो, बंद करो ये सब। गुणगान गाना है तो किसका गाओ? बोले सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे। यहीं से श्री पृथु महाराज ने अर्चा अवतार की अर्चन पद्धति प्रारंभ कर दी। पहली बात क्या कह रहे हैं, अब लिखते जाइए एक एक पृथु महाराज की बातों को। बोले अपना गुणानुवाद सुनने से बचिए, कौन हो तुम? कुछ भी नहीं। कोई आपके गुणानुवाद गावे भी तो अपने कानों में उंगली डाल करके बैठ जाओ, सुनो ही मत उसको। अष्ट छाप के सखाओं में, कीर्तनियाओं में सबसे बढ़िया थे कुंभनदास जी और भगवान श्रीनाथ जी के अति प्रिय भक्त थे। एक बार यमुना जी के तट पर बैठ करके और राग भैरव अलाप रहे थे, मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई है। भैरव अलाप रहे थे, इतने में ही बादशाह अकबर, अब अकबर थे जाने कोई और थे, शायद कोई सीकर के राजा थे, कौन थे सीकर के राजा, वे वहां से विचरण करते हुए जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने स्वर सुना है घाट पर बैठ करके श्री यमुना जी के मध्य में बैठ करके और राग भैरव जब गा रहे थे श्री कुंभनदास जी महाराज, जैसे ही उस बादशाह ने सुना, बादशाह ने सुनकर के तीन बार कहा वाह वाह वाह। कुंभनदास जी के नेत्र खुले,
कौन बाबाई कर रो है? तब से भगवान ने कहा, अरे सीकर के महाराज, सीकर के बादशाह आपके स्वर को सुन के वाहवाही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब उठाई और भैरवी राग का पन्ना फाड़ के और जमुना जी में डाल दिया, आज के बाद भैरव गाऊंगा ही नहीं। क्यों? बोले हम जिसको रिझाने के लिए भैरव राग गाते हैं कभी उसने वाहवाही नहीं की, और जिसको कभी सुनाना नहीं चाहते आज वो वाहवाही कर रहा है। ये राग अपवित्र हो गया, अब इसको गाऊंगा ही नहीं। ऐसे लोग अंत ठाकुर जी प्रेम करें जो अपने गुणानुवादों से बचते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान, उससे बचो। लेकिन सीकर का राजा, उसने अपने सैनिकों को भेजा, बोले मुझे अब इनसे ही सुनना है, बुलाइए इनको। सीकर के अब लोग बार बार आ जाए, कुम्मन दास जी बेचारे कहीं पर अपनी सेवा कर रहे हैं, वहीं पहुंच जाएं, बोले महाराज आपको याद कर रहे हैं, महाराज आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रगण बुलाए हैं, उनके मध्य में बैठ करके बस एक बार आप वो राग अलाप दीजिए जो आप सुबह सुबह अलाप रहे थे। बोले कौन सा राग सुनना? बोले भैरव राग सुनना है। बोले ठीक है, ठाकुर जी के लिए तो हम गावे ना, लेकिन राजा के लिए गाने जरूर आएंगे। सीकर पहुंचे श्री कुम्मन दास जी, और राजा ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए चारों तरफ अपने विदेशी राजाओं को बुला रखा था। बोले महाराज इनका राग सुनिएगा, आप देखिए आप आनंदित हो जाएंगे। कुम्मन दास जी ने राग गाया राजा के पसंद का, लेकिन पद में राजा की इतनी अवहेलना की, इतनी अवहेलना की, बोल कहां जाएगा अब, तो राग सुन लो ना, तू राग सुन। और श्री कुम्मन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। अरे भगत को राजा से कहा काम है? कोई काम ना है। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को ओ आवत जात पन्हैया टूटी, आवत जात आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो बिसर गयो हरि नाम, भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को। अरे राजा, ओ सीकर के स्वामी, आज हमारे दिन को सबसे कालो दिन है। क्यों? बोले हमने जीवन में कभी ठाकुर जी को नाम नहीं छोड़ो, आज तेरे सीकर आवे के चक्कर में मेरे पनैया टूट गई, मेरी चप्पल टूट गई, और बिना पादुका के चलवे में जो हरि नाम में मन लगो रहे तो वो पैरन के छाले में लगो रहे हो, तेरी वजह से आज हम नाम नहीं गा पाए अपने लाल जी को। अब राजा बताओ खुशी मनावेगा कि दुख मनाएगा? कानों को जो राग प्रिय है वो राग चल रहा है, लेकिन राग के भाव से राजा की अवहेलना की जा रही है। और अगली बात क्या कह रहे हैं, उससे भी बड़ा दुख मेरे को आज किस बात का है? बोले हम कीर्तनिया हैं श्रीनाथ जी के, निरंतर हम अपने लाला को प्रसन्न करवे के काज गावे, लेकिन आज जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख जाको मुख देखत दुख लागत, जाको मुख देखत दुख लागत, और
ताको करन परी पर नाम ताको करण परी पर नाम ताको नाम भगत को कहा सिक रे सो काम भगत को अब कुम्मनदास जी कह रहे हैं भैया जाको मुख देख के हमें बमन की इच्छा है जा आज वाक्य के प्रणाम करना पड़ रहा पद गा दियो राजा बिचारो अपनी लाज बचावे संवंत के देखो कितना सुंदर गाया कितना बढ़िया गाया कितना मधुर गाया लेकिन सब हंस तो रहे थे मन ही मन की भैया पद का गायो तेरी हंसी उड़ाई है। अंत में राजा ने कही आप जो कहेंगे मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा आपको बताइए क्या दूं। बोले वचन दे दे जो मांगूंगा सो देगो। राजा ने वचन दिया जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले अपनो ही बुरो मोड़ो मो जीवन में कभी दिखाइयो मत अब अपने पास कभी बुलाइयो मत अब तेरी मेरी आखिरी राम राम है आज। ऐसे भक्तन से श्री राधारमन लाल प्रेम करें जो सबको त्याग दें उनके लिए। कुंभन दास लाल गिरधर बिन राजा ने कही मैं बादशाह हूं आप मुझसे ऐसा बोल रहे हैं। बोले तू बादशाह का है बादशाह तो हमारा गिरवरधारी गिरधर लाल है। कुंभन दास लाल गिरधर बिन कुंभन दास और सब ही बेकाम और सब ही बेकाम और सब ही बेकाम भगत को कहा सीख री सो काम भगत को भगत को काशी करी सो उसके बाद कुंभनदास जी लौट के आए तो श्रीनाथ जी ने फिर आज्ञा की कुंभना अरे भैया जब तक तू भैरव ना गावे को मेरी आंखन में ते नींद ना जावे तेने वो भैरव को पन्ना तो फाड़ दियो ना बाद दोबारा जोड़ दे। फिर कुंभनदास जी ने पुनः हमारे पूज्य नाना जी बताते थे बोले लाला कुंभनदास जी की पारिवारिक स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं वे चाहते तो राजा सीकर से कहा का ना मांग सकते और वे मांगनो उनके परिवार वाले ने कह के भेजी बोले राजा ते इतनो मांग के आई हो कि फिर बहुरी ना मांगे भीख कहीं मांगने ना जानो पड़े। लेकिन कुंभनदास जी मांग के तो का है बातें जन्म जन्म के रिश्ता और तोड़े आए। प्रथु महाराज वही कह रहे हैं बोले जिसको अपनी स्तुति सुनने में बहुत आनंद आता है ना ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। प्रकट होते ही उपदेश दे रहे हैं प्रथु जी महाराज सभी भक्ति पथिकों को बोले अपनी स्तुति से बचिए। नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देव वर्यो वततार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि ब्रह्मूर्धियः मना किया कि मेरी प्रशंसा मत कीजिए
मेरा गुणानुवाद मत गाइए। यमंतः परमोदारः पौरुषम व विगर्हितम्। सच्चे भक्त का, सच्चे संत का लक्षण क्या है? बोले वो अपना अपनी प्रशंसा से बचेगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं अपनी प्रशंसा सुनने से हमारे द्वारा किए गए पुण्य खत्म होने लग जाते हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैंने जितना नाम जप किया, जितना मैंने अपने जीवन में पुण्य आदि अर्जन किया, वो सब धीरे धीरे पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य क्या देता है? नाम, ऐश्वर्य, वैभव, यश, ये सब पुण्य ही तो देता है। तो यदि आपके नाम, वैभव, यश का कोई बखान कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पुण्य धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी के बदले तो वो हो रहा है। अपना यश सुनने से पुण्य नष्ट होता है और अपनी निंदा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। बताओ कहां सुनना चाहोगे? कोई यदि आपकी प्रशंसा करे तो वहां से चले जाओ, और यदि कोई निंदा करे तो उसके निंदक नियरे राखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चलती फिरती गंगा है, और जितनी बार निंदा करेगो उतनी बार तुम्हारो गंगा स्नान है जाएगो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। निंदक नियरे राखिए। इसलिए सम्मान से बचो, अपने अत्यंत यश से बचो। दो पेड़ थे, दोनों पेड़ वृक्ष बनकर के भगवान का भजन कर रहे थे। वृक्ष रूप में भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए। तो एक वृक्ष ने मांगा मुझे अत्यंत धनवान बना दीजिए, और धनवान के साथ साथ मेरा खूब यशगान हो, मेरी खूब प्रशंसा हो, मेरा खूब सम्मान हो, ये दो ही चीज दे दो, एक तो धन, दूसरा सम्मान। दूसरे वृक्ष से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे अत्यंत धनवान और परोपकारी बना दो। भगवान ने दोनों को तथास्तु कर दिया। एक ने मांगा था धनवान और सम्मान, इतने में ही एक लकड़हारा आया और उसने बीच में से पेड़ को काट करके, और लकड़ी बड़ी बढ़िया थी उसकी, ले जा करके एक संदूक बनाया और संदूक को सोने में मढ़ दिया। जैसे ही सोने में मढ़ा, महाराज एक राजा निकल रहा था, राजा ने जैसे ही संदूक को देखा, अरे अरे ये हमको दो। उसके लिए मखमली गद्दे चद्दर आदि बिछाई गई, उसमें सोने का संदूक ले जाया गया, उसमें हीरे जवाहरात सोना सब भर के लवालब उसको रख दिया गया। बाहर कम से कम नहीं तो 20 सैनिक तैनात कर दिए, कोई अंदर ना पहुंच जाए, कोई ले ना जाए। संदूक सम्मान में और धनवान बन के बैठा हुआ है। अत्यंत धन और सम्मान दोनों मिल गए। और दूसरे वृक्ष ने क्या पाया मांगा था? अत्यंत धनवान और परोपकारी। उस वृक्ष की क्या विशेषता रही? धनवान, खूब फल, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर महाराज उसमें से सुगंधियां आदि इन सब से परिपूर्ण कर दिया उस वृक्ष को। अब तो माली लकड़हारे आदि भी सब कहते हैं सबको काट देना, इसको मत काटना। क्यों? बोले भैया इतने फल देता है, इतने पुष्प देता है, इतना सदैव सबको छाया देता है, देखो क्या विशाल स्वरूप है इसका। धनवान है लेकिन परोपकारी है। भगवान बोले ये रहेगा। सम्मानम कलयातिया घोर गरलम। कलयुग का तो सबसे बड़ा विश्व सम्मान है, लेकिन क्या करें महाराज, मानव इसी से नहीं बच पाता। मुझे कोई अपनी पारिवारिक बातें मंच से भागवत जी की व्यासपीठ से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं अपने दादाजी की बात बताऊं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते थे, कात्यायनी में कथा चल रही थी, तो उस समय दो समय कथा होती थी सुबह शाम। मैं बहुत छोटा था, पूरे वृंदावन में जब कथा होती थी तब कर्फ्यू लगता था, संपूर्ण वृंदावन कथा सुनने जाता था कात्यायनी पीठ की। आज तक वो कथा प्रसिद्ध है। हमारे दादाजी भीड़ में सबसे पीछे बैठते थे, और जब कथा पूरी होती थी तो कात्यायनी मंदिर का प्रसाद बढ़ता था, तो भाग दौड़ में दो तीन बार गिर भी गए दादाजी।
कोई पूछता था, बोले अरे बाबा तुम यहाँ का बैठो, तुम तो मंच पे बैठे करो, आगे जाए करो, वहां बैठे करो, वहां पे ना ना मु अच्छो ना लगे, कोई ये बतानो कि मैं ठाकुर जी को पिता हूं, मु यहाँ बैठ हुए में आनंद है, यहाँ बैठ हुए में सुख है। सम्मान से बचो। हमारे पूज्य नाना जी भी बिल्कुल ऐसे, मैं नहीं मानता कि वृंदावन में, वृंदावन साहित्य का इतना बड़ा विद्वान कोई होगा। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, श्री रमन रति वाले महाराज जी प्रसाद पा रहे थे और हमारे पूज्य नाना जी बैठे थे, बोले बाबा एक पद सुनाऊं, बोले सुनाओ। कुम्मन दास जी का एक पद सुनाना शुरू किया, मैंने जो दृश्य देखा, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रति वाले महाराज जी ने अपनी पाग उतार के नीचे रख दी। बोले आज के समय में भगवान के अष्ट सखाओं को मैं खोज रहा हूं, मुझे चार ही मिले, तीन तो पधार गए, एक अभी जीवित हैं, वो हैं आप। और ना जाने कितने दिनों तक रोज गाड़ी आती थी, नाना जी रोज रमन रति जाके महाराज जी को पद सुनाते थे, श्री रमन बिहारी जी को पद सुनाते थे। कम से कम नहीं तो मेरे अंदाज में भागवत के 18,000 श्लोक संपूर्ण याद थे और कुम्मन दास सूरदास आदि सब अष्ट सखाओं के लगभग लगभग कम से कम नहीं तो 1,00,000 पद याद थे उनको, ऐसे विद्वान। लेकिन अत्यंत अकिंचन वृंदावन आते थे बस में बैठ के, इतने अकिंचन। अरे आप नाम कमाना चाहोगे संसार में नाम हो जाएगा, लेकिन अकिंचन व्यक्ति का श्री राधा रमन जी के हृदय में नाम होता है। जब हजारों नामी दर्शन करने जाते हैं ना लाल जी का, तो लाल जी नीचे नजर करके खड़े रहते हैं, लेकिन उन हजारों नामियों में कोई अकिंचन आता है ना, तो उन वो हजारों लाल जी को देख रहे हैं, लेकिन उन हजारों में अकिंचन को लाल जी देखते हैं। मुझे आयो मेरे सामने श्री प्रथु महाराज कह रहे हैं अर्चन अर्चन भक्ति में सबसे पहले किससे बचो, बोले सम्मान से बचो। वे स्वयं भगवान के अंश हैं लेकिन फिर भी लोगों से मना कर रहे हैं मेरी स्तुति मत गाओ। तब सबसे कहा, बोले किसकी स्तुति गानी चाहिए, बोले भगवान की स्तुति का। मैंने कोई कर्म किया, मेरे हाथों ने कोई, मेरे हाथों को बल किसने प्रदान किया, वो तो ठाकुर जी ने किया ना, मूल में तो वही है, उनकी स्तुति का गान करो। इस प्रकार से सूत बंदी जन और मागध ये सब लोग फिर भगवान की स्तुति गाने लगे, भगवान का स्तवन करने लगे। कलावतारस्य कथामृता द्रुता यथोपदेशम मुनिभि प्रचोदिता। लेकिन भगवान की स्तुति के मध्य में श्री प्रथु महाराज का अपने आप ही स्तवन हो रहा था। इस प्रकार से पहले उनकी स्तुति गाई गई, फिर उनका अभिषेक किया गया। यदा अभिषिक्तः प्रथुरंग विप्रैः, ब्राह्मणों ने आकर के प्रथु महाराज का अभिषेक किया और उनको आदेश किया, क्या जनता याश्च पालः, अब ये पूरी प्रजा आपकी है, इनका पालन आप करो। पहली सभा बैठी है, प्रथु महाराज पहली बार राज सिंहासन पर बैठे हैं और सभा को खोला गया, प्रथम राजा बना है। जैसे ही राजपाट खोला गया तो रोती हुई प्रजा भीतर प्रवेश करने लगी। प्रजाओं के विषय में बताया गया, बोले कैसी प्रजा, बोले हड्डियां दिख रही हैं, सूख गई है पूरी प्रजा। राजा बोले तुम सब लोग इस प्रकार से दुर्बल क्यों दिख रहे हो। तब रोने लगे, बोले कि हमारे हमें भोजन के लिए भोज्य पदार्थ नहीं है। वहां को बटन दबा दिए, वहां को हमारे भोजन के लिए भोज्य पदार्थ नहीं है। पूछने लगे कहां गए आपके भोज्य पदार्थ। तब सभी प्रजा ने बताया, बोले कि पृथ्वी में से
अन्न प्रगट ही नहीं होता, पृथ्वी बांझ हो गई है, अन्न देती नहीं है। पृथु महाराज बोले, धरती बांझ हो गई, अन्न नहीं देती। जाकर के जैसे उन्होंने देखा बाहर, राजमहल से बाहर निकल के देखा तो पूरी पृथ्वी बंजर, जहां तक दृष्टि जा रही है सूखा पड़ा है बिल्कुल। राजा पृथु ने तुरंत बाण निकाल लिए और पृथ्वी के ऊपर मानो जैसे चलाने लगे हों कि ब्रह्मा ने तुमको रत्न युक्त, तुमको अन्न युक्त किया है और तुम यहां पर अन्न नहीं उगा रही हो, प्रजा को भूखा मारोगी क्या? पृथ्वी पर जैसे ही कोई संकट आता है वो गौ स्वरूपणी हो जाती है। गौ स्वरूपणी होकर के पृथ्वी घूमने लगी, दौड़ने लगी, पीछे पीछे राजा पृथु दौड़ने लगे। पृथ्वी कहने लगी, प्रहरन्ति नावै स्त्रीषु कृतज्ञः स्वप्न जन्तव किमुत तद्विधा राजन् करुणा दीन वत्सला। राजन, आप मुझ पर प्रहार करने वाले हैं, आप जानते नहीं हैं? प्रहरन्ति नैव स्त्रीषु, स्त्री कैसी भी क्यों ना हो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा अपराध स्त्री का क्यों ना हो उस पर कभी प्रहार मत करो। ये बात कौन कह रही है? श्री पृथ्वी महारानी कह रही है। इस प्रकार दोनों में संवाद चलने लगे। पृथु महाराज कहने लगे, तुम्हारा धर्म है पृथ्वी का, धरती का धर्म है सबको खिलाना, तो फिर तुम क्यों अन्न प्रकट नहीं करती हो? क्या कष्ट है तुम्हारा? और रही बात, तुम कह रही हो कि स्त्री को दंड नहीं देना चाहिए, अब देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, काट पीट के मत समझिएगा। पृथ्वी कह रही है, धरती कह रही है, स्त्री कैसी भी क्यों ना हो उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन राजा पृथु क्या कह रहे हैं? पुमान योषिद्वत क्लीव आत्मसंभव आत्मसंभवा वनोधम भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणाम तद दो वध। राजा पृथु कह रहे हैं, लोगों पर दया न करने वाला, निर्दयी स्वभाव वाला कोई भी क्यों ना हो उसको दंड देना चाहिए। बोले, निर्दयी स्वभाव वाला, तुम स्त्री की बात कर रही हो, वो इंसान नहीं होता जो किसी पर दया नहीं करता है, वो तो पशु के समान है। मैं मानता हूं कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि तुम जैसे जिस प्रकार से निर्दयता दिखा रही हो, अपनी लोगों को भूखा मार रही हो, इस प्रकार की निर्दयता करोगी तो कौन छोड़ेगा तुमको? दयावान बनो, तब तुम स्त्री कहलाने लायक, पुरुष कहलाने लायक, मानव कहलाने लायक बनोगे। मानव में और पशु पक्षियों में भेद ही क्या है? केवल यही तो भेद है कि मानव के भीतर इमोशंस होते हैं, दया होती है, जीवों में नहीं होते। इस प्रकार पृथु महाराज ने जब समझाया तो धरती को यह बात पता चली। यहां पर लिखा, फिर धरती ने उनकी स्तुति गाई, स्तवन किया। बोले, प्रभु मैं समझ गई हूं आप कौन हो। बोले, कौन हो? आप भूधर हो, आप गिरधर नहीं हो, आप भूधर हो। भूधर यानी कि भगवान बराह, आप बराह ही पृथु बन करके आए हो, मैं पहचान गई हूं आपको, आपने तो मुझको पालन किया आदि आदि, वो पूरी स्तुति गाई है धरती ने। अंत में पूछा, बोले बताओ तुम बंजर क्यों हो गई हो? तुम पृथ्वी होते हुए भी, तुम्हारे पास इतने रत्न होते हुए भी तुम उगा क्यों नहीं रही हो? तब उन्होंने कहा, मेरा दोष नहीं है, आपके पूज्य पिताजी महाराज बैन, उनकी वजह से बंजर हुई हूं। बोले, क्यों? बहुत सावधानी से सुनिए, बड़े छोटे छोटे बातें यहां पर बड़ी अच्छी हैं। पृथ्वी कह रही है, मैं अपने ऊपर अन्न मानवों के पेट भरने के लिए नहीं उगाती हूं, तो फिर क्यों उगाती हूं? बोले, यज्ञ की उपयोगिता के लिए और इस पृथ्वी पर विराजमान ठाकुरों के भोग के लिए मैं अपने ऊपर अन्न उगाती हूं।
लेकिन जब कोई यज्ञ नहीं करता और उनका भोग नहीं लगाता तो मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए अन्न मुझे ही पाप रूप में लगते हैं, और जब मेरा पाप बढ़ जाता है तो मेरे ऊपर जो वनस्पतियों की जो मेरे पास विद्या है वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। आपके महाराज, आपके पूज्य पिताजी महाराज के शासन काल में ना तो किसी मंदिर में भोग लगा है और ना कहीं भी यज्ञ किया गया है। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए सभी अन्न का केवल और केवल भोग किया गया है, इसलिए मेरी जो उत्पन्न करने की शक्ति है अन्नों की वो समाप्त हो चुकी है। मैं गऊ हूं, मेरे भीतर अन्न उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन गाय चाहे तो स्वयं दुग्ध नहीं निकल सकता। कोई वत्स यदि आवे, कोई बछड़ा यदि आकर के मुख लगा दे तो मैं दुग्ध झाड़ सकती। महाराज प्रथु, आप एक सुयोग ग्वाला हैं, आप चाहें तो धन काट सकते हैं, लेकिन गाय के दूध को, दूध छुपा लेती है गाय कभी कभी, उसको निकालता कौन है? बछड़ा ही निकालता। बछड़ा जाएगा मुंह मारेगा, फिर जोर जोर से मुंह मारता है, उसको पता है दूध कहाँ है, फिर वहां से दूध निकलता है, थनों में आता है, बछड़ा जितना उसको चाहिए पी लेता है, बाकी का सब ग्वाला निकाल लेता है। बोले मैं समस्त शक्तियों को उत्पन्न करने को तैयार हूं, आप किसी बछड़े की व्यवस्था कर लो। बछड़ा कौन है? बोले पृथ्वी का आदि सबसे पहला पुरुष, पहला प्रकट होने वाला पृथ्वी पर मानव कौन है? मनु महाराज, वो मेरे वत्स है, उनको बुलाइए। तब मनु महाराज पधारे, उनको बछड़ा बनाया गया, और बछड़ा बना करके उन्होंने पृथ्वी रूपी गऊ का थन पीना शुरू किया, और जब थन पीना शुरू किया, जब थन में से दुग्ध आ गया, तब मनु महाराज वहां से हट गए और ग्वाला के रूप में प्रथु महाराज वहां बैठ गए, और प्रथु महाराज ने जितनी जितनी शक्तियां पूरी पृथ्वी को चाहिए थी, गेहूं चाहिए तो गेहूं निकले उनको उधर फेंक दिया, चावल चाहिए उनको उधर फेंक दिया, धान उधर फेंक दिए, आदि आदि दाल, अब इतने मुझे नाम नहीं पता, सब निकाल करके और पूरी पृथ्वी को पुनः उन्होंने रक्त नियुक्त कर दिया। तब से ही धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी, क्योंकि प्रथु महाराज ने यहां पर पुनः उत्पन्न किया सब वस्तुओं को। अच्छा, भागवत में ऐसा भी वर्णन आता है कि प्रथु महाराज ने सोचा, जब प्रजा को उन्होंने शुष्क देखा तो बोले कि इनके खाने के लिए चाहिए क्या वस्तु, अन्न खाएंगे कि मांस खाएंगे? जीव जंतु भी तो हैं, ये चाहे तो खा सकते हैं उनको। तब प्रथु महाराज ने निष्कर्ष निकाला, खोजबीन की, उन्होंने देखा कि जितने भी जीव वन्य पशु हैं वे जल में जाकर के पानी पीते हैं, तो पानी पीने की प्रक्रिया को देखा, जो होठ से पीते हैं वो सब पतले दुबले क्यों? बोले क्योंकि वे सब घास फूस खाते हैं, और जो जीभ से पीते हैं वो सब तंदुरुस्त। बोले क्यों? बोले ये सब मांसाहार करते हैं। तब उन्होंने देखा मानव कैसे पानी पीता, बोले मानव होठ से पानी पीता है, इसका मतलब मानव के लिए मांसाहार नहीं है, मानव के लिए तो शाकाहार ही है। इसलिए फिर उन्होंने पृथ्वी का दोहन करके और पूरी पृथ्वी पर खेती बाड़ी सबसे पहले शुरू की प्रथु महाराज ने। दूसरी विडंबना, पृथ्वी ने एक और याचना की, क्या? पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, पूरी पृथ्वी पर दो ही वस्तु थी, क्या? समुद्र और पहाड़। पृथ्वी ने कहा कि महाराज ये जब बारिश होती है इंद्र प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं, सारा पानी बह करके और नमकीन इस समुद्र में मिल जाता है, मैं कुछ भी अपने ऊपर ठहरा नहीं पाती, मैं ऊबड़ खाबड़ हूं, आप मुझे समतल बना दीजिए। तब प्रथु महाराज ने बाण निकाल करके और पूरी पृथ्वी को, अधिकतर पृथ्वी को समतल बना दिया। तब से धरती का नाम भूमि का नाम ही पृथ्वी। प्रथोह पालिति, पालिता शासिता कीर्तिता भूमि यासा पृथ्वी, तब वो पृथ्वी बनी। इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी को पुनः स्थापित करने के बाद में
महाराज प्रथु ने दीक्षा ली और दीक्षात किसके लिए ली, 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा उसके लिए। 100 अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किए जाते हैं, बोले इंद्र की पदवी पर बैठने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। संकल्प में पूछा गया आपकी कामना क्या है, तो उन्होंने केवल एक ही कामना प्रकट करी, क्या, श्री कृष्ण प्राप्त्यर्थम, मुझे श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त हो उसके लिए मैं यज्ञ करूंगा। भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना उन्होंने प्रारंभ किया। देखो पूजा में और भक्ति में भेद होता है, पूजा नियमानुसार होती है, पूजा पद्धतियानुसार होती है, पूजा शास्त्रानुसार होती है, लेकिन भक्ति वहां पर नियम नहीं होते, वहां पर पद्धति नहीं होती, वहां पर हृदय होता है, मन का भाव होता है। मैं कभी भी हवन करता हूं या कोई भी अपने पूजा विधि विधान के कार्य करता हूं, तो कई लोग होते हैं वो उठेंगे तो पहले आसन के नीचे जल छोड़ देते हैं, सम सक्राय नमः, क्यों, आपने जो पुण्य किया उसको इंद्र ले जाता है, यदि आपने जल नहीं लगाया तो। लोग जल लगा लेते हैं, बोले उसका पुण्य भी हमें मिल जाए, पुण्य क्यों इकट्ठा कर रहे हो, पुण्य इकट्ठा करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन यदि अपनी समस्त पद्धति समस्त पूजा अर्चना का फल ठाकुर जी को अर्पित कर दिया जाए, इंद्र कहां ले जाएगा, भगवान कौन है, श्री राधा रमन लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, ये राधा वल्लभ लाल कौन है, ये सब बैंक है हमारी। अपनी पूजा पद्धति आदि जितनी भी तुम पालन करते हो सबको जाकर के वहां पर इकट्ठी करते जाओ। हम लोग क्या करते हैं, सम सक्राय नमः, अपने पास रख लेते हैं। अपने पास ज्यादा धन रहने से चोरी होने का भय है, लुटने का भय है, लेकिन बैंक में सिक्योरिटी के बीच में रख दोगे तो वहां से कौन चुराएगा उसको, और वहां से चोरी भी हो जाएगी तो जिम्मेदारी मैनेजर की है, तो श्री राधारमन लाल हमारे मैनेजर हैं। जितनी भी भक्ति करो, जितने भी पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो, सबके बाद में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामी, श्री कृष्णाय समर्पयामी, सब कुछ उनको दे दो, बोले लो अपने पास रख लो संभाल के, हमें ना ही चाहिए। यही पद्धति, दूसरी पद्धति का बखान कर रहे हैं कौन, श्री प्रथु महाराज, बोले वैष्णवों को चाहिए, भक्ति पद्धति से चलने वाले लोगों को चाहिए, अपने द्वारा किए गए समस्त पुण्य कर्मों को भगवान को अर्पित कर दो, स्वयं के पास भी रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या मिल जाएगा, आपने खूब पुण्य किए तो छीणे पुण्य मर्त लोकम विसंती वाला स्वर्ग मिल जाएगा, जहां पर तुमको बढ़िया 5-स्टार रूम दिए जाएंगे, सब अप्सराएं सेवा में लगी हैं, जो भोजन करना है मिलेगा। किस लिए मिल रहा है, बोले तुमने हवन किए, तीर्थ यात्रा की, उन सबका तुमने डिपॉजिट अपने पास रखा, उन सबको खर्च करके ये सब भोग लो, भोगते 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 जिस दिन क्षीण हो जाएगा फिर से धक्का दे दिया जाएगा, फिर से कमा के लाओ फिर यहां पे, लेकिन यदि कमा कमा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दोगे तो उसका परिणाम ठाकुर जी स्वर्ग नहीं जाने देंगे, स्वर्ग में जगह ही नहीं मिलेगी। बोले क्यों, बोले हमारे पास पुण्य है ही नहीं, कहां है तुम्हारा पुण्य, बोले वैकुंठनाथ के पास है, बोले तो फिर यहां जगह नहीं, तुम वैकुंठनाथ के पास ही जाओ। भाव भरे भूषणों से आपको रिझाऊं मैं, भरे भूषणों से भाव भरे भूषणों से आपको रिझाऊं मैं, भाव भरे पूजा, पूजा पद्धति कैसी होती है भाई, देवों को ये नहीं चढ़ाया, देवों का दीप नहीं जलाया, देवों का ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। और भक्ति कैसी होती है, श्री वल्लभाचार्य जी का एक भक्त था, नाथद्वारा में रहता था,
जब श्री श्रीनाथ जी नाथद्वारा पधारे तो प्रत्येक घर से 56 भोग बन के जाते थे श्रीनाथ जी के लिए, जब पहली पहली बार नाथद्वारा पहुंचे। लेकिन उसके पास में इतना भोजन ही नहीं, इतनी सामग्री नहीं कि वो कुछ बना सके। एक दिन गुसाई श्री विट्ठलनाथ जी के पास गयो कि मैं तो सेवा कर ना पाऊं, मेरे लिए कोई उपाय बताओ ना। तब उनने कही तू भावात्मका भक्ति किया करना। बोले कैसे? बोले सकोरा तो ला सके मिट्टी के? बोले हाँ। बोले जितने सकोरा चाहिए, जितना भोजन बनाना उतने सकोरा रख दे खाली। और काकर? बोले नेत्र बंद कर ले दो। लाल जी यहाँ में चावल रखे हैं, लाल जी यहाँ में कढ़ी रखी है, लाल जी यहाँ में हलवा रखो है, लाल जी यहाँ में पूड़ी रखी है, यहाँ में देखो कलाकंद रखी है। अब वो सबके ऊपर हाथ रख के केवल भाव मात्र करता था और उन खाली सकोरों को ले जाकर के श्रीनाथ जी के सामने रख देता था। भोग के बाद जब सकोरे उठाए जाते थे तो उनमें जिन जिन वस्तुओं का भाव रखा गया वो सब प्रकट हो जाती थी। तो भावात्मिका भक्ति कैसी? भाव से भक्ति जब की जाती है वहां नियम नहीं दे, लाल जी गुस्सा ना होंगे, मेरा दीपक क्यों ना जलायो, ना, तू भाव कर ले बस। भाव भरे भूषणों से आपको रिझाऊं मैं, भाव भरे नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव हो नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, जब तुम शयन हो दाबू तेरे चरण करो, जब तुम शयन दाबू तेरे चरण रटू मैं तेरा नाम मैं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम मुझको राधा रमण हो कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण हो, जपू मैं तेरा नाम यूं आठों या मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण हो, करुणा निधान मोपे कृपा कर रीझिए, करुणा निदान ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, हो ब्रज में बसा प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, हो प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन,
जपू मैं तेरा नाम, यूं आठो याम, जपू मैं तेरा मुझको राधारमण हो कर दो ऐसा मगन, मुझको भाव से गाओ सब। जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण हे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधा हे जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय राधारमण जय जय राधारमण प्यारो राधारमण, जय जय श्री राधारमण लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण लाल जी की परम कृपा से आज पुनः हमारे सुंदर अकिंचन भागवत कथा के, अजगर पद्धति की भागवत कथा के मध्य में पुनः आज पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पधारे हैं, खूब खूब प्रणाम। और हमारे ब्रज के लाडले प्यारे ठाकुर को जो अपनी सदैव वाणी से रिझाती रहे, ऐसी हमारी पूनम दीदी जी, कल भी आप आई लेकिन आप शायद कहीं प्रस्थान, हाँ तो अभी परिक्रमा में थी, तो कल मैं रोकना तो चाह रहा हूँ लेकिन पद चल रहा तो मैंने कि अब बैठेंगी, फिर आप शायद कहीं व्यस्त थी, लेकिन आज भी आप पधारी, खूब खूब प्रणाम। आपकी खूब सुंदर वाणी हमारे लाल जी को सदैव रिझाती रहे, आप ऐसे ही उनके सुंदर वाणी की सेवा करते रहें, यही श्री यमुना महारानी से प्रार्थना। तो श्री पृथ्वी जी महाराज के विषय में हम लोग, जो कि अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, उनके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री पृथ्वी जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ तो किए, लेकिन अश्वमेध यज्ञ से इंद्र की पदवी की प्राप्ति नहीं चाहते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ठाकुर जी के हृदय में स्थान चाहते हैं। हमारा कोई भी पुण्य सत्कर्म आदि, उसका परिणाम यदि पुण्य होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसका परिणाम यदि उसके परिणाम के स्वरूप में भक्ति की प्राप्ति होगी तो श्री लाल जी की प्राप्ति हो जाएगी। जैसो कि अभी एक भाव बनो कि श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी महाराज, ये मंदिर हमारे लिए, बाहर के लोगों को मंदिर है, ब्रजवासी को तो ये बैंक है, वहां जाकर के अपने पुण्यन को हम जमा करवाते रहे, अपने पास धरते रहो, और जब इनकी गणना खूब है जाए तो इनके फलस्वरूप हमको अपने चरणन में बुला लियो। वहां हमारे द्वारा किए गए नाम जप, सेवा, निष्ठा आदि सब सुरक्षित रहेगी। इनते बढ़िया मैनेजर कौन मिलेगा, उनके पास अर्पित करो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान भागवत धर्म में भी यही कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभानुषितस्वभावा करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्
बैठ जाओ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा नुषितस्वभावा करोम यत्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पये तत् और समर्पयामि। भगवान तो ये तक कह रहे हैं कि अपनी काया से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आंखों से, कानों से, हाथों से, पैरों से, जो जो करते हो सब मुझे अर्पित करो, सब मुझे प्रदान करो। लेकिन हम श्रेष्ठता देखते हैं अपनी, हमने क्या किया। प्रत्येक क्रिया भोग बन जाए भगवान के लिए। 56 भोग ठाकुर जी व्यंजनन को ना लगा मैं, आपके द्वारा 56 क्रियाओं का भोग ठाकुर जी को अति प्रिय है, उसका भोग लगा। लेकिन वो पूजा पद्धति में फंसे हुए लोग हैं जो कोई भी कर्म करने के बाद वाको पुण्य चाहे या को पुण्य हमें मिल जाए, गिरिराज जी पर जाएंगे हमें पुण्य। मेरी कथा में कोई कह दे ना कि पुण्य का भागी बनने के लिए कथा सुनो, मैं कहता हूं भैया मैं पुण्य ला दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा, तुम्हें क्यों दूं? पुण्य के भागी बनने के लिए कथा सुनने। पुण्य क्या है? आपके द्वारा कमाया गया धन है जिससे आप स्वर्ग में घूमे आओगे, बस। लाल जी की प्राप्ति आपको नहीं होगी पुण्य से। प्रथु महाराज ने दूसरी बात यही स्थापित की अर्चन भक्ति के लिए कि अर्चना करने वाले सदैव ध्यान रखें कि पुण्य का अर्जन अपने पास मत कीजिए। बालक को हम समझाते हैं ना, जब पैसा कमाने लग जाए तो बेटा मां को दे, पिता को दे, या बैंक में अकाउंट खोल के वहां। तो ऐसे ही ठाकुर जी को प्रदान करो, अपने पास मत रखो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने थे लेकिन 99 अश्वमेध यज्ञ के बाद जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता, बैठ जाओ भैया अभी वहीं विराज जाओ, 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता तो अश्वों को चुरा करके घोड़ों को चुरा करके इंद्र चला जाता है, क्योंकि इंद्र को यह भय था कि कहीं मेरी राज पदवी तो नहीं ले लेंगे। इंद्र पर कोपित हुए भगवान प्रथु महाराज प्रथु बोले भैया हमें तेरी पदवी चाहिए ही नहीं, तो हमारा यज्ञ क्यों नहीं पूरा होने दे रहा? लेकिन उसको भय है कि ये मेरी पदवी चाहते हैं इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने आकर के समझाया कि तुम इंद्र पर कोप मत करो, कोप करने से तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त यज्ञ आदि पूजा पद सब नष्ट हो जाए। क्रोध सबका मूल कारण है सबको नष्ट करने का, चिंता मत करो। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए लेकिन तुम्हारे 99 यज्ञ हैं उसके यज्ञ पुण्य के लिए हैं, तुम्हारे यज्ञ तो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, चिंता मत करो प्रथु। लेकिन प्रथु महाराज का क्रोध शांत नहीं हो रहा, बोले मेरी भक्ति में विघ्न क्यों डाल रहा है इंद्र? तब अत्यंत कोपायमान हुए तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप नारायण इंद्र को साथ लेकर के प्रथु महाराज के सामने प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट हुए भगवान को प्रणाम किया और भगवान समझा रहे हैं, पहली बात ही कह रहे हैं, सभी जितने भी यहां पर अनुयायी भक्त बैठे हैं सब ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे हैं। बोले आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है, आप हो लकड़ी और आपकी उस लकड़ी में दीमक का काम यदि कोई करेगी तो उसका नाम है क्रोध। इसको यदि आपने अपने हृदय से नहीं निकाला, भगवान कह रहे हैं एषः ते काशी मध्वम हृदय धस तस्यः क्षमा पयत आत्मानम उष्य छन्तु महर्षि। हे महाराज प्रथु आप इसको क्षमा कीजिए इंद्र को। इंद्र पर यदि कोप करेंगे, क्रोध करेंगे तो उससे आपका ही गलत होगा, कोप मत कीजिए। एक वृक्ष था, उस वृक्ष ने भगवान श्री राम का भी दर्शन किया, बट वृक्ष। उस वृक्ष ने भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन किया, त्रेता युग का वृक्ष था।
उस बट वृक्ष ने भगवान बुद्ध का भी दर्शन किया। उस बट वृक्ष ने, ये बिल्कुल सत्य घटना है, उस बट वृक्ष ने गुरु गोविंद सिंह जी का भी दर्शन किया। उस बट वृक्ष ने जैन महापरंपरा के ऋषियों का भी दर्शन किया। इतना पुराना बट वृक्ष, सभी महान भावों का उसने दर्शन किया। सब उसके नीचे दो दो क्षण बैठे हैं, लोग उसकी पूजा करने लगे, महाराज उसकी सब सेवा करने लगे। एक बार कोई पक्षी दूसरे वृक्ष से कुछ फल लेकर के जा रहा था, उस फल के नीचे तंतु पर दीमक लगी थी, जैसे उड़ के जा रहा था एक दीमक उस वृक्ष पर गिर गई, उस बट वृक्ष पर जो त्रेता युग का था। उस एक दीमक ने अंडे दिए, उन अंडों से जो दीमक हुई उन्होंने अंडे दिए, करते 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 कुछ वर्षों में बाहर का खोखला, बाहर से बस वो वृक्ष, अंदर से पूरा खोखला हो गया, सूख गया। और एक दिन नष्ट होते होते अपने आदि वृक्षों को, जो उसके प्रिय वृक्ष थे, उनसे कह गया, बोले कभी अपने ऊपर अभिमान मत करना, मैंने कितने बड़े महानुभावों के दर्शन किए, स्वयं नारायण के दर्शन किए, लेकिन अपने ऊपर गिरे हुए एक दीमक को मैं नहीं हटा सका, उसका कारण आज मेरा सर्वनाश हो रहा है। इसलिए साधक को चाहिए क्रोध से बचे। भगवान ने आकर के पृथु महाराज को समझाया, नहीं तो तुम्हारे द्वारा किया गया नाम जप क्या होगा। बोले श्रम एव परम जातो, आपके द्वारा किया गया नाम जप, आपके द्वारा की गई परिक्रमा, आपके द्वारा किया गया जो भी पुण्य है सब श्रम बन जाएगा, मेहनत बन जाएगी, जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। इसलिए क्रोध को जीवन में मत आने दो। जब भगवान ने समझाया तो पृथु महाराज का हृदय शांत हो गया और उन्होंने इंद्र क्षमा मांग रहा था पैर पकड़ के, लेकिन पृथु महाराज ने अपने हृदय से लगाया, बोले आप स्वर्ग के सम्राट हैं, मैं पृथ्वी का सम्राट हूं, हृदय लगी है मेरे। तब ये सब बातें पूर्ण हुई और पृथु महाराज ने स्तुति गाना प्रारंभ किया। ये आज के विषय का मूल उपदेश है। श्री पृथु महाराज भगवान के सामने बैठ गए और बोले अब आप थोड़ी देर बस मुझसे वार्तालाप कर लीजिए, मैं यही तो चाहता था कि आप पधारें, अब दो मिनट बस मेरी बातें आप सुन लीजिए। भगवान बोले हम भक्तों की सुने ही हैं, बोले कहाँ हैं, हम बोलते कब हैं, हम तो सुनते ही हैं सदैव, सुनाओ क्या कहना चाहते हो। पृथु महाराज स्तुति गा रहे हैं। पृथु भूलिएगा नहीं, ये भगवान के अवतार भी हैं, लेकिन अवतार होते हुए भी अर्चन भक्ति को स्थापित करने के लिए, हमारे द्वारा किए गए ये जितनी भी भक्ति हैं, इन सब का सही रूप दिखाने के लिए भगवान के ही अंश पृथु बन के आए, स्तुति गा रहे हैं भगवान की। वरान विभो तद्वरदेश्वराद्बुध कथम व्रणीते गुण विक्रियात्मनाम ननारकाणामपि संति देहिनाम तानीश केवल्यपते व्रणेन च। पृथु महाराज कह रहे हैं, भगवान ने कहा वर मांगो, क्या चाहिए तुमको। भगवान बोले, प्रभु पृथु महाराज बोले, जिससे आपको अपना पीछा छुड़वाना होता है ना, उसको वरदान देते हो आप, तू ले और मेरो पीछा छोड़, मोह छोड़ के चलो जा। भगवान अति उपलब्धि भी देवे ना, तो एक बार को डरिएगा, ये कहीं मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तो नहीं कर रहे सब काम। आप अकिंचन रहोगे, कभी भी जा सकते हो, कभी भी दर्शन करते हो, लेकिन जब अति से उपलब्धियां मिल जाती हैं तो फिर मंदिर जाने में भी डर लगता है या कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं, उस समय विचार कीजिएगा ये उपलब्धि कहीं मुझे खुद से दूर करने के लिए तो नहीं दी इन्होंने। प्रभु मैं आपसे वरदान नहीं मांगना चाहता, क्योंकि वर के माध्यम से जो संसार के सुख आप मुझे दोगे वो तो जानवरों को भी मिल जाते हैं, ये भोग भोगना आदि आदि ये सब कार्य क्या जानवर नहीं करते। यदि वही वस्तु मैंने आपसे वरदान के रूप में मांग ली तो मुझ में और जानवरों में भेद क्या रह गया। प्रभु गुणवान व्यक्ति और आपका श्रेष्ठ भक्त आपसे कुछ नहीं मांगता, वो तो आपको मांगता है कि आप मिल जाओ।
वो आपसे कुछ नहीं मांगता, वो आपसे कुछ नहीं मांगता। बोले देना फिर भी आप चाहते तो एक वस्तु दे दीजिए। बहुत सुंदर बात करें, न काम ये नाथ न तद्यप हम क्वचित न यत्र यश्मु चरणाम्बुजाशव महत्मानंत हिदन मुखच्युतो विधत्सव कर्णयुते विधत्सव कर्णयुतमेश मे वर। आप देना ही चाहते तो एक वरदान दे दो क्या? बोले आपके दर्शन से भी ज्यादा आनंद आता आपकी कथा सुनने में, आपके सुंदर गुणानुवाद सुनने में, महत्मानंत हिदन मुखच्युतो, आपके प्रेम में उन्मुक्त जो भक्त आपकी कथा गाते हैं, आपके सुंदर गुणानुवादों को गाते हैं, उसको सुनने में जो आनंद जो सुख मिलता है प्रभु, उसकी गणना तो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में भी कथा तो मिलती नहीं है, आपके दर्शन मिलते हैं, कथा नहीं है वैकुंठ में। प्रभु आप यदि मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी आपकी कथा सुनने में रति हो जाए, मुझे आपकी कथा प्राप्त हो जाए। श्री ध्रुव जी महाराज के वंशज है ना, श्री ध्रुव जी महाराज के वंश में आए हैं पृथु जी। ध्रुव जी ने भी तो यही मांगा था, मैं वम विभोर हति भवा, कि प्रभु आप देना ही चाहते हैं तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी कथा ही श्रवण करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने भी बिल्कुल यही भगवान से वरदान के रूप में मांगा था श्रीमद् भागवत के, कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत गुण कथामृत पान मत्त। प्रभु यदि कृपा करनी है तो एक कृपा कर दीजिए क्या, कि मैं आपकी कथा सुनने में मत्त हो जाऊं, मुझे एक नशा लग जाए। ध्रुव जी ने तो सीधा कहा, मुझे एक व्यसन लग जाए। बोले क्या, आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझे, ऐसी कृपा कर दीजिए। और वही बात मांग रहे हैं आज पृथु जी, कि प्रभु आपकी सुंदर कथा मिल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। और तीसरा एक और वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए, यशः शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदिच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथम गुणज्ञो विरमे द्विनोपशुम श्रिय प्रवद्रे गुण संग्रहिच्छया। मुझे उनका स्थान चाहिए जो निरंतर आपके संग रहती हैं। भगवान बोले कौन? बोले लक्ष्मी। बोले स्थान मतलब, बोले मुझे चरण दे दो आप अपने। भगवान बोले वो तो भैया पहले से ऑक्यूपाइड है, लक्ष्मी बैठी है वहां, वो नहीं मिलेंगे। बोले प्रभु चरण दो हैं, एक मुंह दे दो, एक लक्ष्मी जी दे दो, एक वो दबा मांगी, एक बिल्कुल यही बात कही है कि दोनों को विभाजन कर दो, एक उनको दे दो एक मुझे दे दो। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक गुरु जी थे, उनके सामने दो मूर्ख चेला आ गए, बेचा भोले चेला। दोनों ने पूछी, गुरुदेव हम तो सब छोड़ छाड़ के आ गए आपके आश्रम में, हमें काम बताओ क्या करें। गुरु जी बोले व्रत देखें, पैरन में बहुत दर्द होगा, खूब परिक्रमा लगाई गिरिराज जी वृंदावन की, अब तो भैया ये दोनों आ गए तो निक सेवा करवा लें। बोले भैया देखो गुरु के दो पाम हैं और तुम दो चेला। बोले हाँ, दो तेरो पाम ये है और तेरे लाका जी ये वारो पाम, दोनों पामन को विभाजन कर दिए। अब तुम दोनों में आपस में होड़ होनी चाहिए कौन ज्यादा सेवा करेगा। ठीक है, अब पहलो चेला सेवा करे, महाराज मालिश करे, सरसों को तेल लगावे, दूसरो बोलो सरसों को तेल लगा रहा हूं मैं, घी लाऊंगो, वो घी लेके आवे, दूसरे पाम की घीते सेवा करे, बातें अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे दबावे तो बढ़िया नई नई स्टाइल अंत पामन ने दबावे, गुरु जी आनंद कर रहे हैं, दोनों चेला दबा रहे हैं पाम। एक ते भड़के एक सेवा कर रहे हैं दोनों और गुरु जी आनंद करें, और जब पहलो चेला आवे तब दूसरो ना हो तो।
तो बात बताते गुरु जी, माने तो आज ऐसे सेवा करी, आज तो मैंने केसर लगाए, इत्र लगाए, देख कैसे सुगंधित है रो, काय को इत्र बोले, वाह को इत्र, मैं बात बढ़िया इत्र लाऊंगा। दोनों उनकी सेवा ले रहे। एक दिन गुरु जी एक पाम पे दूसरा पाम रख के लेटे हुए। अब जिसके पाँव पे दूसरा पाँव रखा था वो चेला आ गया। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। डंडा लेके आया, गुरुजी का पाँव हटा के उसको तोड़ना शुरू कर दिया। बोले तेरी हिम्मत कैसे भाई मुंह पे चढ़ गो। गुरुजी, अरे मार दियो मार दियो। अरे गुरुजी कछु ना, ये चढ़ो कैसे मेरे पाँव के ऊपर, तोड़ ताड़ के गुरुजी को पाँव चलोगो। अब दूसरा चेला आया, वहां ने देखो खून निकल रहे हैं महाराज, पूरे में घाव है गए। बोले गुरु जी मेरे पाम की हालत कौन ने करी। बोले अरे वो मूर्ख आयो, मां ने तोड़ दियो है। अच्छा, मेरी सेवा से जलता है वो, मेरा पाँव चमकता था इसलिए देखा नहीं गया उससे, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो दूसरा डंडा लाया, वहां ने दूसरा पाम तोड़ दियो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कहीं ये हालत हमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम दोनों में विभाजन कर दें, एक लक्ष्मी जी दे दें, एक तोए दे दें, और फिर तुम दोनों, क्योंकि अगले श्लोक में श्री उन्होंने ये बात कही है कि मेरी जगत जनन्या के संग में युद्ध भी हो सकता है आपकी सेवा के लिए। जगत जनन्याम जगदीत वैशम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम् करोसि फल्गप्यरुदीन वत्सल स एव धिष्णे भिरतस्य किं यथा। जय हो, लीजिए यही प्रसाद है यहाँ पर। प्रणाम। प्रभु मेरी और जगत जनन्या के बीच में कलह हो जाएगा, फिर आपकी सेवा करेंगे तो आप बस मुझे इतना बताओ कि जब मोह में और लक्ष्मी जी में लड़ाई होगी तो आप पक्ष किसका लोगे, मेरा लोगे कि उनका लोगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा ही पक्ष लेंगे। पूरी स्तुति गाने के बाद में अंत में श्री प्रथु जी महाराज करें कि त्वन्मायया द्वाजनैष खंडितो यदन्यदासास्त्रतात्मनोद्भुत यथा चरेद्वालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि न समीहितुम्। प्रभु मैं सब विनोद में कुछ भी कह गया हूंगा आपसे, लेकिन प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे मालिक हैं और आप मेरे पिता हैं। स्वामी का, गुरु का, मालिक का, पिता का अपने पुत्र के प्रति सहजा भाव होता है, करना नहीं पड़ता। पिता अपने पुत्र के उपलब्धि के लिए, पुत्र की पढ़ाई के लिए, पुत्र की श्रेष्ठता के लिए धन खर्च करने के लिए सोचता नहीं है, कर देता है। प्रभु मैं भी आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आप मेरे पिता स्वरूप हैं, मैं आपका पुत्र स्वरूप हूं, आपकी कृपा तो मुझ पर सहज ही बरसेगी, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। जे ही विधि नाथ होइ हित मेरा, जिस विधि से मेरा हित हो। हम सदैव अपने श्री गिरधर लाल जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, जा में मेरी भक्ति की कमी नहीं हो जाए, जा कथाए कहवे में मुंह में कमी नहीं आ जाए, जहां स्थान पर जाने में मेरा आपके संबंध में त्रुटि ना आ जाए, कोई भाव प्रकट ना हो जाए, बस ऐसे स्थानों से बचाए रखना। और जा में हमारे ऊपर कृपा बनी रहेगी, जा में हम सहजा भाव में बने रहेंगे, जिसमें हमारी श्रेष्ठता होगी वही प्रदान करना। हम कुछ सोच लें कि इसको प्राप्त करने से हम श्रेष्ठ बने रहेंगे, हमारी सोच
इतनी तीव्र थोड़ी है, ठाकुर जी ने सोच के जो रखा है वही तो होगा। नारद जी महाराज गए भगवान से जाके कहा कि मुझे अपना मुखमंडल दे दो, मुझे अपना स्वरूप दे दो। क्यों? बोले ब्याह करने जाऊंगा मैं। भगवान कहने लगे, बोले नारद ब्याह करने जाएगा उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अंत में जब कहा जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु वो करो, भगवान बोले तो तेरा हित बंदर के मोड़े में ही है, दे दियो मुख। आज तक नारद जी भक्तराज बने हुए हैं उसी की कृपा से। तो श्री पृथ्वी जी महाराज अर्चावतार के सभी अर्चकों से कहते हैं, भगवान से सदैव यही कहो, जिसमें हमारा हित है, जो करने में हमारी सफलता है, हमारे आपके प्रेम में किसी भी प्रकार की दरार जिस भाव से नहीं आएगी, सदा वही कीजिएगा, वही प्रदान कीजिएगा। बोलो पृथ्वी महाराज की। इस प्रकार पृथ्वी जी महाराज ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई और स्तुति गा करके फिर प्रजा को उपदेश किया। और प्रजा को उपदेश, इन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे। पृथ्वी महाराज बोले आपकी कथा सुनने के लिए 2 कान बहुत कम है प्रभु, क्या करो? रोम रोम हूं मैं तो श्रवण मई रे, मेरा प्रत्येक रोम में कान प्रकट कर दो ताकि मैं अपने प्रत्येक रोम से आपकी, प्रत्येक कान से आपकी कथा सुनूं। 2 कान आपकी कथा के लिए बहुत कम है प्रभु। ऐसे श्री पृथ्वी जी महाराज ने संपूर्ण प्रजा को उपदेश किया। क्या कह रहे हैं? बोले कि मैं अब शासनकाल मेरा पूर्ण होने वाला है, मेरे स्वधाम गमन के बाद में आप लोग शोक मत मनाइएगा, मेरे नाम से पिंडदान आदि मत कीजिएगा, मेरे नाम से कुछ मत कीजिएगा। तो बोले क्या करे, प्रजा को अंतिम उपदेश दे रहा है राजा। तत्प्रजा भर्तु पिंडार्थ स्वार्थमेवान सुयव कुरुता दोक्ष जब्धीय तरही मेनुग्रह कृतः। मेरे पर एक अनुग्रह कीजिएगा, मेरे नाम से कोई पिंडदान आदि कुछ मत कीजिएगा। क्या करें फिर? बोले एक ही अनुग्रह मुझ पर कीजिएगा, मेरी प्रजा में जितने लोग हैं अपनी प्रत्येक श्वास निकालते और लेते समय अधोक्षज भगवान का स्मरण करते रहें, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन होए ना जाने यश। व्यक्ति को धन कमाते समय और ज्ञान अर्जित करते समय सदैव ये सोचना चाहिए, अभी मैं बहुत लंबा जीने वाला हूं, इसलिए लंबी आयु जीने के लिए खूब धन खूब ज्ञान मेरे पास होना चाहिए। लेकिन भजन करते समय सदैव विचार करना चाहिए, अगला क्षण भी मेरा अंतिम हो सकता है, इस क्षण में भी भजन कर लो, इस क्षण में भी राधा राधा गा लो, इस क्षण में भी श्री यमुना महारानी को दर्शन कर लो, क्या पता अगला क्षण ना भयो। तो इस प्रकार श्री पृथ्वी जी महाराज ने भगवान का स्तवन किया। और हमने बात की थी कि कलिकाल में अर्चावतार अर्चन भक्ति के आचार्य कौन थे, तो अनेक गुरु परंपराओं के सबसे प्रारंभ करता भाष्यकार शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, ये इस कलयुग के अर्चन भक्ति के आचार्य। कैसे आचार्य? श्री भक्तमाल जी के छप्पे में श्री रामानुजाचार्य जी का स्मरण कर लें, फिर कथा को हम लोग विराम देंगे। इतना सुंदर भाव श्री रामानुजाचार्य जी के प्रति, क्या बताएं? गोपुर है आरुण उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, सूते नर परे जागी 72 श्रवण निधार्यो, तितने ही गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। आपको पता है श्री रामानुजाचार्य जी कौन है? तिरुपति बालाजी को नाम सुनो है,
हम श्री वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं और हमारे गुरु भाई, सबसे बड़े गुरु भाई कौन है हमारे? तिरुपति बालाजी हमारे स्वामी नहीं है, हमारे गुरु भाई हैं। वो श्री रामानुजाचार्य जी ने दीक्षा दी है तिरुपति बालाजी को। जो अष्टाक्षर मंत्र हमारी गुरु परंपरा में है, उस अष्टाक्षर मंत्र की विशेष रूप से विधि प्रतिपादित की श्री रामानुजाचार्य जी ने। हमारी संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, लेकिन श्री रामानुजाचार्य जी की वजह से उसको रामानुज संप्रदाय बोलने लगे लोग। तो इस मंत्र की सुंदर व्याख्या सुनने के लिए षटकोप स्वामी जी के पास में 16 बार रामानुजाचार्य जी गए, लेकिन 16 बार वापस कर दिया। बोले अभी तुम योग्य नहीं हो, अभी तुम योग्य नहीं हो। 16वीं बार पुनः आए तब षटकोप स्वामी जी को लगा अब ये योग्य हो गए, अब इनको देना चाहिए। तब उन्होंने अष्टाक्षर हमारा गुरु मंत्र जो है उसकी विधि बताई, उसका स्वरूप बताया और कहा कि एकांत में बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। तो श्री रामानुजाचार्य जी एकांत ऐसी कुटिया बना करके, परन कुटी बना करके उसमें बैठे और उस परन कुटी में बैठ करके जैसे ही उन्होंने पहली बार गुरु मंत्र अष्टाक्षर का नाम जप करना प्रारंभ किया, तो पहली बार जपते ही उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। बाबा रामानुजाचार्य जी ने नारायण भगवान का दर्शन किया पहली बार गाते ही गुरु मंत्र को, लेकिन प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। नारायण भगवान को देखा, गुरु मंत्र गाते ही नारायण भगवान प्रकट हो गए। क्या किया? श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली का गौपुर सबसे ऊंचा है। गौपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो, अपने गुरु मंत्र को सबको बताना अलाउ नहीं होता, उससे कोई अपराध नहीं लगता है। लेकिन फिर वही बात है, वो गुरु के द्वारा दिया गया रत्न है और रत्न को छुपा के रखा जाता, कहीं चोरी हो गया तो। षटकोप स्वामी जी ने मना किया था, रामानुजाचार्य जी इस मंत्र को किसी को देना नहीं, जो दीक्षित होगा वही नाम जप करेगा इसका। लेकिन जैसे ही पहली बार मंत्र गाया, नारायण भगवान के दर्शन किए, तो गोपुर हुए आरूढ़, गोपुर पर चढ़ गए और वहां खड़े होकर के हमारे गुरु परंपरा के अष्टाक्षर मंत्र को जोर जोर से गाने लगे। सुते नर परे जागी 72 लोगों ने उस नाम को सुना और वे सभी रामानुजाचार्य जी के शिष्य हो गए। लेकिन 72 शिष्य प्रणाली शुरू और रामानु संप्रदाय का विस्तार शुरू हो गया। लेकिन जब वो गोपुर से उतर के आए, नीचे खड़े षटकोप स्वामी, बोले हमने तुमसे मना किया था ना कि इस मंत्र को किसी को देना नहीं, तुम ऊपर खड़े होकर के ढिंडोरा पीट के गा रहे हो, क्यों? रामानुजाचार्य जी बोले प्रभु क्षमा करें, जिस मंत्र का एक बार गुणानुवाद करते ही मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए, उस मंत्र को मैं अपने पास छुपा के नहीं, मैं तो पूरे विश्व को दे दूंगा वो, ताकि सबको दर्शन हो जाए। ऐसे श्री भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए और जगन्नाथ मंदिर के पंडा पुजारियों को उन्होंने भगा दिया। बोले तुम लोग कैसे सेवा करते हो, भगवान की कोई पद्धति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई तुम्हारा नियम वो कुछ भी नहीं है, निकल जाओ यहां से बाहर। और मंदिर को बाहर से बंद करके पूरा मंदिर धोके और जगन्नाथ भगवान की पूरी पूजा पद्धति को श्री रामानुजाचार्य जी ने पुनः स्थापित किया। अब बेचारे जगन्नाथ मंदिर के सब पुजारी बाहर बैठे बैठे रो रहे हैं, जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या करें, प्रभु कैसे भी हमें बुलाओ। जगन्नाथ भगवान भी मोह अर्चक जो होता है ना ठाकुर जी का, ठाकुर जी कोई तो ना डरे, केवल अपने अर्चक से डरे। क्यों? अर्चक सामान्य भाषा में अर्चक है, लेकिन ठाकुर जी की भाषा में वो यशोदा है। वही नवावेगो, वही तैयार करेगो, वही भोग लगावेगो, वही आरती करेगो, वही बोले ये अर्चक नहीं है, ये यशोदा है, उससे डरते हैं ठाकुर जी। हमारे राधारमन जी गुसाई बता में, जब लाल जी तैयार ना हो मैं ना, राधारमन लाल जी कभी कभी नाटक करें तो हमारे गिरधर लाल जी तैयार ना हो मैं। हम आजकल क्या है कि प्रातःकाल बेला की कथा में मैं सेवा नहीं करता, हमारे गोसाई जी श्री माँ से गोवर्धन से ये सेवा करते हैं।
इतने से तो हैं बेचारे, उनकी सेवा ही ना होवे कोई पे। एक दिन पधारेंगे शायद, कल या परसों लेके आएंगे श्री जी, श्री जी के समीप उनको विराजमान करेंगे। इतनी सुबह जगे ना है बेचारे, लेकिन रात में तैयार करके सुबह दूंगा उन्हें। फिर यहाँ तक जाके स्नान आदि अपनों करके फिर निवृत्त होंगे, फिर सुबह दूंगा। अर्चक के हाथ में ठाकुर जी, वो कैसे रख सके उन्हें? वो चाहे तो रात में 2 बजे तक जगावे, चाहे तो सवेरे 10 बजे उठावे। तो कई बार मैंने अनुभव किया, वो कल बता रहे, बोले महाराज जी मैंने 100 बार बंसी धराई और ठाकुर जी बार बार गिर दें गिर दें गिर दें, और आरती कैसे करें जब तक वंशी नहीं धारण करेंगे? वंशी धारण ठाकुर जी आरती में ही करते हैं। अपने घर के ठाकुरों को भी निरंतर वंशी पास रखो, लेकिन हाथ में मत रखो। ठाकुर जी संग रखें, हाथ में लेके ना रहे हमेशा। मैंने कही तुरंत नाम ले देते, भोग आ रहा है। अरे अभी राधाष्टमी का उत्सव मनाने के लिए परम पूज्य श्री मलुक वाले महाराज जी ने जड़खोर बुलाए। अब वहां ठाकुर जी पहुंच के तैयार है के गए वृंदावन थे, बिल्कुल अपने पूरे राज थाट में विराजमान, सब सिंहासन लग गए। जैसे ही ठाकुर जी झांपी जी से बाहर आए तो देखो मुकुट गिर रहा है, बार बार टिपारो गिरे। अब मैं बार बार धारण कराऊं, मैंने कि अरे भैया कैसे ना पहनने, ये तो कभी हो ही ना है ऐसे। तो 20 मिनट लग गए मुझको, लेकिन वो टिपारा नहीं पहने। और मैं धारण करके बिठाता हूं, फिर गिर दे, बार बार गिर दे। अब बिना टिपारे के कैसे खुले? मैं पाग आदि का चू लेके ना गए कि भैया ठीक है टिपारो ना पहनने, पाग धरा दूंगा। अंत तो गत्वा जोड़ते चिल, अरे भोग आ रहा है भोग आ रहा है। फिर मैंने तिपारो धरा, सुई धारण कर लियो। महाराज जी लीला देख रहे थे वहां खड़े खड़े, इतने प्रसन्न हुए, तुरंत पहन लियो टिपारो। मैंने कि महाराज जी अब पर्दा बाद में खोलेगो, पहले भोग लाओ, मैं नहीं तो सवरो श्रृंगार उतार देंगे। यशोदा मैया जब लाल जी को श्रृंगार करे तो मिश्री ऐसी ना खवावे जैसी हम खामे। यशोदा मैया रात में मिश्री इनको घिसे और मिश्रीन को घिस के गोल गोल चिकनी बना दे। क्यों? बोले सवेरे लाल जी को जब श्रृंगार करेंगी तो लाल जी का है, कभी तो जाए उठा के फेंक दें, कभी कानन के कुंडल है फेंक दें, कभी अपनी पीताम्बरी खोल देंगे। और वाक्य बात क्या होगा, ठाकुर जी अपने मुकुट को दांत दांत ना है ना, दो दतुइयां है बस, तो मसूड़न में जलन हो गए, कछु तो चाहिए ठाकुर जी को। तो गेंद जैसी मिश्री बनावे यशोदा मैया, वाते ठाकुर जी अपनी खुजली मिटा ले और बातें खेलो ले, वहां में जब व्यस्त है जाए तब यशोदा उनको श्रृंगार करे। तो जगन्नाथ भगवान बेचारे क्या करें, रामानुजाचार्य जी ने सब बंद कर दिए। जगन्नाथ रात्रि में जब सब शयन कर रहे तब जगन्नाथ भगवान दुखी बैठे, गरुण जी आए, प्रभु आप दुखी क्यों? बोले मुकु मेरे जगन्नाथ के भोरे भारे भक्तन की याद आ रही है। बोले क्या करें? बोले तुम एक काम करो, अपने सोते भाई कमर पे और ये सबरे रामानुजाचार्य जी और उनके सबरे चेलाने लेके तुम दक्षिण में छोड़े आओ, उन्हें मेरे भक्तन को मान दो दोबारा। गरुण जी रात रात में सभी शिष्यों को रामानुजाचार्य जी को दक्षिण में छोड़े आए। सुबह उठे तो सब लोग कहां पहुंचे? श्रीरंगम पहुंच गए। पुनः रामानुजाचार्य जी दौड़ करके गए, फिरते जाकर के जैसे ही सबन को निकालन लगे, अब तो जगन्नाथ भगवान ने हाथ जोड़ लिए। नहीं प्रभु, आपके जितने नियम जितनी पद्धति जितनी सब कुछ वो सब आप अपने मंदिरों में रखो, लेकिन यहां मुकु इनकी भक्ति प्रिय है, कि जैसे पवा में जैसे खवा में जैसे रखे मुकु वही में आनंद है, आप उनको कष्ट मत दो। तो इस प्रकार अर्चा भक्ति के पहले ठाकुर जी की अर्चना में वेद वेदांतों का इतना स्वरूप नहीं था, उन वेद वेदांत आदि वेद पाठों का स्वरूप स्थापित स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने किया। तो ऐसी अर्चन भक्ति के कलयुग के आचार्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। बस इसी भाव के साथ आज के इस सुंदर प्रसंग को, सुंदर विषय को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और कल ठीक 4 बजे से श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन, 5 भक्ति आज पूरी हो गई। अर्चनम अब कल आएगी वंदनम।
और कल की कथा में तो ठाकुर जी ब्रज की कथा चलेगी। वंदन के आचार्य कौन है? श्री अक्रूर जी। श्री अक्रूर जी महाराज का कल प्रादुर्भाव होगा। कल ठीक 4 बजे, 4:15 बजे से कथा सुबह प्रारंभ होगी। प्रेम से सब लोग जय जयकार करें। बोलो भागवत महापुराण की, श्री पृथ्वी जी महाराज की, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की, रस रानी की जय, पट रानी की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, जय श्री राधे, जय जय राधा रमण हरि बो, जय जय राधा रमण हरि बो, जय जय राधा रमण हरि। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बो, जय जय राधा रमण हरि बो, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल लीलारती रस रस निधान के, आरती अति पावन विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान ते, आरती अति परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान के, आरती अति पावन, ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के, आरती अति आरती अति आरती अति